Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. जी हाँ, ये है फिजी इंडियन टीवी और हम शामिल हैं फिजी इंडियन टीवी 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 टीवी. और जब टीवी की बात होती है, मैं हूँ परमशिवन एंड विश्वजीत हमेशा की तरह. वेलकम टू एपिसोड 71. जी हाँ, 71. आज बहुत गर्मी है बाहर, इस 15-16 डिग्रीज और हमारे जी हाँ बहुत नाइस है. हमारे जो हेवंस में बहुत सारे कॉटन वुल क्लाउड्स है, यानी कि क्यूमुलस क्लाउड्स, मतलब पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, शायद नहीं बरसेगा. जो निम्बस होते हैं डार्क क्लाउड्स, यस, घटा, वंडरफुल डे फॉर बारबेक्यू, तो पानी होएगा. हाँ, बारबेक्यू हो सकता है आज, काफी कुछ हो सकता है. तो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड आवर सब्जेक्ट टुडे इज गोइंग टू बी संगीत. म्यूजिक की हमारी जिंदगी में म्यूजिक क्या है क्या नहीं है. दोज हु आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, जो सुन रहे हैं फिजी इंडियन टीवी का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आप अचानक से ही ट्यून किए हुए हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, वेब कास्ट सुन रहे हैं, दैट इज ऑन www.fijiradioofsana.com. एंड और साथ साथ में लाइव स्ट्रीमिंग हम तीन मस्केटियर्स को देख रहे हैं. कुछ टिप्पणी करना चाहते थे, हेड ऑफ टू आवर चैट रूम जो है रेडियो ऑफ साना हेड ऑफ देयर, एंड वन चैट रूम में आप चेट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारी जो आज का जो टॉपिक उसमें कुछ इनपुट कर सकते हैं. एंड सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोग्राम आज का 71. हाउ हैज योर वीक बीन गाइस, कैसा रहा? मैं तो बहुत ही देर से बात कर रहा था, अब तुम लोगों के टाइमिंग से थोड़ा सा बात करवाने के लिए. जी, हाउ वाज योर वीक? Very very good talk. A lot of things like, you know, next time. Busy. Paisa banao. Finalizing few things for end of year stuff. मैं तो रिया विजन विंडो मिरर में देखेंगे तो मैं बहुत ही बिजी था काम पे. गुड फॉर बिजनेस, नॉट गुड फॉर रेस्ट. तो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम जहाँ आकर थोड़ा डिफरेंट चिल आउट कर सकते हैं ना. चिल आउट करेंगे. एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आवर एपिसोड फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया. निसम बोला एंड नमस्ते. एंड दोज हु हैव एक्चुअली सेलिब्रेटेड ईद, आप सबको ईद मुबारक हो. थैंक यू फॉर जो प्रेजेंस हमारे पास आई हैं, मिठाई आई हैं, जिसने भी जो भी भेजा है, थैंक यू. और आप सबको ईद शुभ और मंगल में हो. फिजी इंडियन टीवी की ओर से बहुत अच्छी मिठाई है, खास तौर पर कोकोनट टेस्ट के, पूरा फिजी का काम किसने बनाया, कोकोनट मिठाई. बस इधर इधर हमारे खास लिसनर्स हैं, जो खास व्यूअर्स हैं, दोस्तों ने कुछ बचाया, व्हिच इज गुड, व्हिच इज असली था, असली फिजी स्टाइल. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है एपिसोड 71 और आज हम बातें कर रहे हैं संगीत के बारे में. देखिए, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक के आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, सिर्फ टीवी करता हूँ, रेडियो भी नहीं सुनता हूँ, लेकिन ये साहबजादे लोग टेलीविजन देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं. तो हमें बताइए कि दुनिया में क्या हो रहा है. हालांकि एक समाचार मुझे पता है, जो बंदा ने वो टनल खोद के भागा है, दैट आई नो, सेकंड टाइम मेक्सिको में, विजिटी वे मेक्सिको में, और बहुत लंबा टनल था, 1 किलोमीटर, वेरी लॉन्ग. तो उसके संग बहुत ही उसका मोटरबाइक में फ्यूल एंड पकड़ लिया ना, और वो लगता था इंडियन बाइक टाइप था, ट्रायम्फ के था. बट बैड न्यूज ये है कि दिस वीक इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ MH17, जो द प्लेन दैट वाज शॉट डाउन, यू नो, ओवर रशियन एरिया. वेरी सैड, ओवर 200 पीपल डाइड. एक खास मेमोरियल सर्विस हुआ था ये सप्ताह, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब टोनी एबट ने जाकर सो ऑफिशियली मेमोरियल सर्विस कर दिया था. अच्छा अच्छा अच्छा, टू कमेमोरेट. बॉडीज तो मिला नहीं अभी तक, कुछ नहीं मिला ना, एक हिस्सा भी नहीं मिला, नथिंग एट ऑल, मोस्टली डैमेज्ड. एंड फॉरेंसिक्स करेंगे ना टू पॉजिटिवली आइडेंटिफाई. क्यों, मिल गया क्या? वो पीसेस मिलता है, वो मिल रहा है पीसेस, नॉट द वन दैट वेंट इन द वाटर. अच्छा, वो दूसरा जो शूट किया था, जो शूट किया था यूक्रेन ओवर द ईयर. अच्छा, वो वाला, उसका एक साल हो गया. अरे बाप रे, एक साल सो फास्ट. द वन दैट वेंट इन द वाटर अभी भी गुप्त है. अच्छा, वो तो गुप्त है. और बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, टनल वाला था. और लेटेस्ट न्यूज इज की माइकल जैक्सन का जो थ्रिला म्यूजिक वीडियो है, इट इज स्टिल नंबर वन. Wow, it's nice. Number one. Yeah, last week I was watching about it and it was quite good.
किस तरह से वो डांस करता है, सो मच पैशन है उसके पास, नो इट्स सैड एंड म्यूजिक सैड ऑल दिस वंडरफुल आर्टिस्ट बहुत ही जवानी में गुजर गया, 50 हो गया 50. और एक और न्यूज़ था, ये NASA has finally gone to Jupiter ना, Pluto after 9 years, Pluto after 9 years, the one with the rings, yeah, Pluto actually they've gone there, yeah. Actually after Achha. Nine, it took them 9 years to go there actually. So finally they've reached that. तो नासा भी पहुंच गए तो अच्छी बात है, हम भी पहुंचेंगे किसी दिन अगर जिंदा रहे तो. हिप रिप्लेसमेंट नहीं हुई तो हार्डवर्क रिप्लेसमेंट हो जाए तब थोड़ा हार्ड रहे बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहेगा, ज्यादा बूस्ट ऑफ रॉकेट में रहेगा ना. रिंग्स वाला प्लेनेट कौन है, सैटर्न है शायद, या सैटर्न या प्लूटो गए ना. लुक यू नो हम व्हाइल वी एट इट विल यू नो डू रिमेम्बर आवर फ्रेंड मिस्टर नोजी इज एक्चुअली वर्किंग एट होम एंड ही सेज हाय टू एवरीबॉडी पास इफ यू वाचिंग एंड निसम बोला नमस्कारम होप ही इज वेल ज़ूरा इज डूइंग वेल ऑल इन वेल एंड फुल एंड फन आई थिंक इज कटिंग हिज ग्रास बिकॉज़ द वेदर इज सो नाइस एट द मोमेंट. अच्छा तो काम काज कर रहे हैं, आई थिंक ही नीड्स टू फिक्स. और घास का घास का बटोर लो ना, फेंकना नहीं बिन में, लोग याद कर रहे थे अच्छा घर बगल में खाद है बनी हुआ है. हाँ और फोटो उतार के भेज देना जानो कुन्ना पेड़ के, तुम डोनेट कर रहे हो उसके केरा के पेड़ उगाए दिस के नहीं, वी डोंट नो येट बट ऑफ कोर्स गुड वेदर टू सर्वाइविंग मेबी सुबह सुबह भी लोन काट कर रहे हैं. नॉट फॉरगेटिंग छोटी सी बच्ची जिसकी जो बर्थडे आज सेलिब्रेट हो रही है, बहुत सारे लोग आए हैं, पार्टी की तैयारी हो रही है, कप्स कप्स मैंने देखे हैं. अलीशा की वंस अगेन हैप्पी बर्थडे छोटी अलीशा, एंड दिस इज इन व्हिच सिटी, टोरंटो, टोरंटो, रोनाल्डो की बच्ची, हैप्पी बर्थडे. यस एक्चुअली आई डिड विश हर अलीशा, या so I think party's on today. Sal Mubarak. Uh-huh. Yes, and yes, of course, Noji just replied ki wo sun liya aur hey 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 kela maar raha hai. To jangli murgi wagera run aaj kuch girega, khasi wagera shayad. I'm sure he's planned something and you know organized everything. I've seen some beautiful cupcakes, Shalini ne taiyar kiya na. It's my favorite. Vivian, it's quite nice. It looks very good. I like the smell of the cupcakes. Subah shanivar ko subah jab yahan studio aate hai na to ye jo niche well similar to cupcakes yahan par hai hamare paas, kya bolte hai usko, Fiji style cream bun. Wahin par cupcakes bhi bechte hain. Ha acha, hum uska luft uthayenge. लुफ्त आएंगे ज़रूर. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, एपिसोड नंबर 71 है. आज हम बातें करें संगीत के बारे में कि संगीत हमारे जो सात सुर का संगम है किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जुड़ती है और किस तरह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल जो म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं किस तरह से वो इकट्ठे होते हैं. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. दो घंटे के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि हम सब चीज़ कवर कर ले. तो जब कोशिश से हाँ कुछ दिमाग में कुछ ऐसा टॉपिक आ नहीं रहा था, मैंने बोला क्या करूँ क्या, फिर मैंने डॉक्टर के ऊपर नज़र डाला, मैंने नहीं आज हम म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए आज हम संगीत के बारे में बात करेंगे. खैर दैट इज हैपनिंग. और हमारे सिडनी में कौन कौन से शोज़ हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, चर्चा होगी. और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से तैयारी हो रही है आशिकी 2 यानी कि रिलोडेड 31st October. आपके साउंड इफेक्ट जुलूम रहे ना, कैसे लोड करें बंदूक करते ना. Well guys, look, संगीत की जब बात होती है तो बहुत सारे संगीत यू नो है दुनिया में, बट विल प्ले लिटिल बिट डिफरेंट सॉन्ग्स टुडे, सो एंजॉय करिए. फिर उसके बाद में हम ब्रेक, ये ब्रेक के बाद आते हैं. Yes. और विल एंजॉय समथिंग. कैलिप्सो स्टाइल आपने बोला. हाँ हाँ कैलिप्सो स्टाइल बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगा मुझे. साउथ अमेरिकन कैलिप्सो इज जमैकन जमैकन ट्रिनिडाड. Was quite nice beat. Actually, हमारे जो सुंदर पोपो वगैरह वो लोग भी काफी इसका इन्फ्लुएंस हुए हैं. सुंदर पोपो has he come to Fiji? I'm not sure. No, he hasn't been to Fiji. I think he passed away, ना. I don't know. लेकिन उसका ये कैलिप्सो स्टाइल बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है. जैकी बोलते हैं जो जैकी. हाँ जैकी. He came to Fiji. उसका ढोलक प्लेइंग भी कैलिप्सो स्टाइल बन जाते हैं ट्रिनिडाड वाले. थोड़ा डिफरेंट है ना, वेरी फास्ट. वेल क्विकली लेट्स गो एंड सी कि कौन कौन से शोज आ रहे हैं सिडनी में, उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाए. तो ये है नेक्स्ट वीक बहारो फूल बरसाओ एंड दैट इज happening here. First of August. First of all, it's a title of a song too. मेरा महबूब आया है. कौन सा फिल्म था अजीत भाई? बहार और फूल बरसाओ फिल्म का नाम, आई थिंक टाइटल सॉन्ग है ना उसका. मिस्कल से राजेंद्र कुमार की मूवी थी. मेरा महबूब आया है.
तो उसी ये हो रही है 1st of August को ग्रैनविल टाउन हॉल, यस हियर इन सिडनी, और टिकट्स है 15, 20 और 25, बाप रे बाप, डॉलर है एंड क्योंकि अलग अलग सीटिंग की इन्होंने यू नो 15, 20 और 50 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. सिडनी में कुछ जाने माने कलाकार इसमें गीत गा रहे हैं, जैसे कि रियाज शाह जी हैं और साथ साथ में हमारे विनोद भी हैं, प्रिया दास भी गा रही है इसमें. जानने में सिडनी में जितने भी सिंगर्स मेरे हिसाब से यहाँ पर गा रहे हैं, हालांकि क्योंकि तीन कॉन्सर्ट्स हो रही हैं, थ्री कॉन्सर्ट्स ऑफ मोहम्मद रफी नाइट. सो एक तो ये है पहला, विच इज ऑन द 1st of August, तो दिस इज द 1st one हैपनिंग दिस ईयर, 1st of August. और उसके बाद में फिर ये है कौन सी साउंड इफेक्ट्स, हमारा शो है, रीलोड करेंगे बंदूक, बंदूक रीलोड है, गोली भरेंगे. ऑफ कोर्स हम एडवांस बताना चाहते हैं कि नहीं, आतिफ नहीं आ रहे और वो लड़की भी नहीं आ रही है, दिट इज जस्ट पब्लिसिटी एंड डिटेल्स अच्छी तरह से प्लीज पढ़ लीजिए. सरगम आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पेश कर रहे हैं देसी वॉइस, सितारों की आवाज, सैटरडे 21st November 2015 इन एड ऑफ इमरजेंसी हेल्थ केयर इक्विपमेंट इन फिजी. और हम याद दिला दें ये अश्विन आएगा, आई थिंक अश्विन आनंद इज कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, कल्चरल इंडियन जो ग्रुप है ये इस प्रोग्राम को यू नो सवार रहे हैं और जितने भी फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे दैट इज ऑल गोइंग टू चैरिटी, टुवर्ड्स चैरिटी और बाइंग इक्विपमेंट, यस मेडिकल इक्विपमेंट इन फिजी फॉर फिजी हॉस्पिटल. तो सोर्स के अनुसार, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जो इनके साहबजादे, जो इनके ग्रुप है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू फिजी टू सो सॉर्ट एंड हैव अ मीटिंग विद बेनी बरामा एंड ऑब्वियसली दे विल यू नो पे देयर ओन वे क्योंकि वो कहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट भेज सकते हैं. मेडिकल की बात होती है तो हम भूल नहीं सकते दांतों की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दांत, जैसे कि हमने वीडियो देखा था और आपने फ्री ये शो कहाँ पे हो रहा है, रूटीन ये शो हो रही है एवरी एवरी मंडे टू फ्राइडे हो रही है. और सुबह कितने बजे से शुरू होता है, 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक, और आफ्टर आवर्स भी ये शो होता है क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम हो जाता है. कल रात तो मैं 8 बजे तक, सिडनी में इज द ओनली डॉक्टर, ओनली डेंटिस्ट दैट इज गोइंग टू कम टू यू, एंड इमरजेंसी में अगर कुछ होता है तो वो इतवार को भी पहुंच जाएंगे, यानी कि संडे को भी पहुंच जाएंगे. एंड आई थिंक इट्स अ गुड सर्विस, इस तरह के सर्विस डॉक्टर से हम लोगों को लेना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दांत के मामले में. तो अगर समटाइम्स जब दांत जब पीड़ा उठती है, मोस्टली पेन रिलीफ होता है, बाउन एंड टीथ पेन आर द टू मेजर पेन्स दे से यू कैन नॉट, यस कहते हैं. ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाया है. बोलते हैं जिस लोगों का बोन कैंसर होता है, ऑस्टियोसार्कोमा, बोन पेन is very severe, very bad, no? Yeah, और महिलाएं बताते हैं कि toothache is more painful than childbirth. Most of my patients tell me when they have a toothache, दांत का जो दर्द होता है, जो कीटाणु घुसकर भीतर toxins बनाते खाते हैं, and then the pain starts, no? Very important, reduction करवाइए. और if you don't want to go to doctor, Neil, that's okay, that's fine, कहीं भी जा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में 22,000 doctors, dentists से बंदो, कहीं पर जाओ, yes, लेकिन जाओ. But अगर सिडनी में इस गिर्द में है तो संडे को भी पीड़ा उठती है तो ऑफकोर्स टू गो देयर. और यहाँ पर अगर आप सामान फिजी भेजना चाहते हैं, कुछ कपड़े इत्यादि, डॉक्टर गॉट सम क्लोथ्स आउट हैंडी, वी कैन, बहुत सारे क्लोथ्स है मेरे पास, कुछ करना पड़ा, हटते नहीं लेकिन अभी धीरे धीरे हटने लगे हैं, फिर रिसाइकल कर रहे हैं. मैंने सोचा अब देंगे फिजी देने के लिए. मीट ग्रिट संगीत शो विच इज बिंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, नए सिंगर्स ना, दे ऑल न्यू सिंगर्स हैं, एंड सिंगिंग क्लब, दे डूइंग अ गुड सर्विस टू इंट्रोड्यूस. आज म्यूजिक के बारे में बात होगा, अक्सर म्यूजिक का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो दिस इज वन ऑफ द एवेन्यूज वेयर दे कैन स्टार्ट. ऑफ कोर्स. एंड इसमें मीट है, ग्रीट है और संगीत भी होगी, खाना वगैरह सब होगा. मीट, ग्रीट, संगीत और मीट भी होगा. और सिंगिंग टू बी फॉलोड बाय डांस फ्लो. अच्छा, नाचते नाचते डांस पर लोग नाचेंगे, डीजे शैलन का साउंड सिस्टम है एंड आप लोग भी गा रहे हैं मेरे हिसाब से, कुछ भाग लेने इसमें आप भी. तो दैट इज 25th of July, टिकट बिक रही है, प्लीज डू सपोर्ट. नेक्स्ट वीक एंड 25th, ये है रफी नाइट, मोहम्मद रफी, पब्लिक डिमांड में, सेकंड रफी नाइट. हम ये पब्लिक डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि इट्स एवरिंग है, अपनी ही एवरी ईयर हो रही है, तो वो निकाल सकते हैं ना, इनको निकाल लेना चाहिए कि इट्स एवरिंग एवरी ईयर इवेंट नाउ. किशोर चट्टी, एनुअल इवेंट दे कैन से ना, इट्स नॉट अ पब्लिक डिमांड थिंग, इट्स एनुअल. हमेशा मैं कहता हूं कि नाम इनका किशोर है लेकिन गाते रफी का गाना है.
किशोर जट्टी लाइव इन कॉन्सर्ट देयर इज ऑन 12 तारीख सितंबर को और वो टाइटल को वास्तव में बाय पब्लिक डिमांड होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑन नहीं हां ऑफ कोर्स बाय पब्लिक डिमांड लेकिन एनीवे वी ऑलवेज सपोर्ट 12th ऑफ सितंबर यप आपने ये शो में एक दो बार एमसी भी किया एमसी भी किया ऑफ कोर्स कुमार शानू नहीं लेकिन कुमार विशु जी सिडनी में आ रहे हैं ये धार्मिक यानी कि डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं और साथ साथ में कुछ लाइट शोर और मोहम्मद रफी के गीत भी गाएंगे पूरे साज बाज के साथ ब्लैक टाउन होमेहोरी आपके ही फाइव पीस म्यूजिक बैंड और ये है स्टूडियो वीटीसी प्रेजेंट्स ये बाय बाय बड़ा जल्दी कह रहे हैं लेकिन नवंबर 21st को हो रही है जल्दी हो जाएगा बाय बाय ना इसके बाद में और बाय बाय हुई भी एंड यूट्यूब स्टार्स ऑन स्टेज तो जितने भी आप कलरफुल वीडियोस देखते हैं वीडियोग्राफी देखते हैं आप कलरफुल यू नो तो आप यहां पर आ सकते हैं डॉक हैव यू सीन दोस वीडियोस सम लवली वीडियोस सम लवली वीडियोस नाइस वीडियोस सम नाइस वंस काफी भरपूर म्यूजिकल कंटेंट्स होते हैं इसका Very so nice. Do go. It's a 21st of November. It's happening here in Sydney, and it's at Bonnerick Sports Centre. Mm-hmm. And that's once again Abdul ji are here. Oh, I think they probably must be referring to Abdul on public demand. Okay, so that is happening around popular. Sydney. Anything that we have missed? I think we haven't missed our कुछ भी shows हो रहे हैं please do let us know अभी जान पहचान में तो बहुत सारे shows हो रहे हैं अभी से लेकर क्योंकि जैसे ही weather change होगा ना until pin drop shows ही shows हैं well the gardeners will start planting the mircha ke plants and shows will start yeah. shows will start yes baad chad jayega no but that's when the show starts na august se bas shuru hoga na august well it's getting early and early ne hum soch rahe the ki winter ke samay mein nahi hoga aur aajkal right through hota hai winter mein bhi aur fir jab fasting season hoti hai to hamesha shows nahi hota hai roza ke samay nahi hota but ab ho rahi hai na wo hi rahi hai sab log show kar rahe hain last night there was a fundraiser there was actually and I think there's another show happening which is on the 24th of July before Ashiki one weekend that is I think that happened last year the name was Johnny Khan ka show kaun sa tha ek rangin sha I think they happened or the boy coming from Canada yeah ek rangin sha friend or colleague from Canada not confirmed we haven't seen any publicity material but probably we'll see them soon and once again sutro ke ne sare samachar kaan pe padi ki 24th ko aur wo bhi one week before our show yes तो ये हो रही है तो ये सब संगीत का जो कारवां है ये यू नो चलता रहेगा हम लोग चलते रहेंगे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे एंड ही रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि प्लूटो में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी म्यूजिक सुनेंगे हमारा काफी उम्मीद काफी बहुत समय लगेगा ना इट टेक 9 years फॉर नासा टू गेट रीच वहाँ जाने के लिए ना ना नासा रूट छोटा कर दे सकते हैं दे हैव इन्वेंटेड इट सो मेक लाइफ इजी फॉर एवरीबॉडी एल्स और क्या नाम है रिचर्ड ब्रांसन ही इज आल्सो यू नो टेकिंग टीम्स टू मून और समथिंग ना इनटू स्पेस अभी से बुकिंग होने लगा है हां व्हाट्स द नेम ऑफ हिज वन वे ट्रैफिक वन वे है ना नहीं नहीं लौट के आएंगे वर्जिन का जो बॉस है इज अ मल्टी मिलियनेयर उसको मैंने टीवी में काफी इंटरव्यूज में देखा ही सीम्स टू अ वेरी वेरी फोर थिंकिंग जोवियल पर्सन उतना बूढ़ा भी नहीं है आई डोंट थिंक इज इवन इट्स प्रोबब्ली अबाउट 60 Well, guys, you know, Doc and Jit, we are talking about music because music से हमेशा लोग जुड़ते हैं और रोज ही जुड़ते रहते हैं आपका जो डाटा है वो समाप्त हो जाता है म्यूजिक सुनते सुनते टेलीविजन जो भी देखते हैं मेरा भी खत्म हो जाता है रेडियो सुनते सुनते योज ऑल्सो माई यू नो फेसबुकिंग इन दिस एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में लगे रहते हैं ये नहीं तो वो सुनते रहते हैं खोजते रहते हैं आजकल अनलिमिटेड इंटरनेट के साधन भी हो गए क्योंकि वी आर फुल्ड विद यू नो विद एंटरटेनमेंट और म्यूजिक 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 हमारी जिंदगी में पर्सनल जो फोन्स होता है ना मोबाइल फोन्स दे शुड गिव अनलिमिटेड डाटा टू ना मेरा आप यूट्यूब स्टोल दैट थंडर फ्रॉम माय फ्रॉम मी वही अभी फर्स्ट टॉपिक को उठाना था ये मुद्दा कि अगर म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट इंसानों का नहीं होता तो ये जो फोन कंपनीज है वो तो बेसिकली बंद हो जाएगा डाटा बढ़ा रहे हैं ना ज्यादा बढ़ा रहे हैं दे शुड गिव रीजनेबल डाटा अलाउंसेस ना मेरा तो फुल हो गया ना उसमें 16 32 GB है इसका लेकिन वो भी फुल हो गया और वट एवर द प्लान इज जितना मोटा आपका बटुआ है उतना मोटा प्लान रखेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा फिट नहीं होगा वेल एंटरटेनमेंट यानी कि म्यूजिक की जब बात होती है तो हम सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग हम लोगों से मिलते हैं म्यूजिक के ही हाथ से और यू नो यू योरसेल्फ प्ले अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी ऑल प्ले इंस्ट्रूमेंट्स और किसी तरह से तो वट वॉज योर
फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज हम शेयर करते हैं दोस्तों आपके साथ हमारी जो पहली बार जब हम स्टेज में गए किस तरह की वो एक्सपीरियंस थी उसके अलावा से लेके अपनी हम इस कड़ी को शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर द डेट. आई स्टार्टेड म्यूजिक इन 1996-97 एंड आई हैड नेवर डन एनी सिंगिंग. मैं कभी गाना गाया नहीं था लेकिन शौक बहुत था ना. और मैं अजंता थिएटर में बैठ के जो दिस इज इन फिजी नहीं नहीं यहाँ पर वहाँ पर जब बैठते थे तो हाफ टाइम में वो जो रील टूट जाता था तो कुछ करने के नहीं रहता था तो हम वो ऑपरेटर चिल्लाए जाना तो फ्रेंड्स कव्वाली गाते थे ना यूसुफ का. तो हमारा काम था उसमें बनाओ हाथ से ढोलक तबला ना. तो एनीवे एक यहाँ पर एक छोटा सा बैंड था वो अभी डिफंक्ट हुआ उसका नाम रागा रॉक्स था यहाँ पर जी हाँ ओके. तो उसमें हमारे जो एक म्यूजिक कॉलीग है शलेन जी जो गिटारिस्ट और सिंगर है तो ही वाज रनिंग इट टुगेदर विद देवानंद हु इज रनिंग उसका ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं देवानंद देवानंद पंडित देव था. एनीवे तो दे हैड अ फंक्शन इन ग्रैनविल तो बोला हमको शो करना. मैं बोला म्यूजिक का शौकीन था मैं बोला अच्छा चलो मैं थोड़ा स्पॉन्सरशिप कर दूंगा ना. अच्छा सो ही स्टार्टेड इट ग्रैनविल एंड दे वाज आई स्टिल गॉट द प्रोग्राम उसको लाना चाहिए था लेमिनेट करके रखा. हां लेमिनेट करके 38 songs सो आई सिंग टू songs देयर वो था रफी जी का तुम्हारी मुलाकात से और एक और गाना था लाखों है निगाह में टू सॉन्ग्स ना थोड़ा फास्ट गाना था. तो मेरा फास्ट गाना से थोड़ा ताल्लुक है ना. आई लाइक सिंगिंग बिट फास्ट सॉन्ग भड़कीले गाने. सो दैट वाज अ गुड शो. थोड़ा डिजास्टर था क्योंकि साउंड सिस्टम हम अपने खुद जोड़ के मेरा कुछ ख्याल नहीं था व्हाट टू डू. तो कोई एक माइक लाया कोई एक एम्पलीफायर लाया स्पीकर बहुत ज़्यादा उसका फीडबैक हुआ स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा गड़बड़ था लेकिन द शो वॉज गुड गुड क्राउड. आई थिंक देयर वर ओवर 200 पीपल एट ग्रैनविल टाउन हॉल. So that was my very first experience. You sang two songs for the first time. Butterfly in stomach? Well, I didn't go for the second one. I was butterfly. So I said for some people else to go, I was not quite ready, you know. And mera naam pukar diya fir main thoda deri mein gaya baad mein. As often happens. So that was your first experience? First experience on stage in front of public. What about you, Jit? I started singing, actually, Fiji. The funny thing, Fiji, what happened is in class 5, you know, yahan par year 5, so what happened is, early start, nahi, kya hua? This is the tragedy of was it. Was it talent quest? Ji nahi, kya hua? I mean, actually, the teacher said, na, there's, sab kan gana gao. So they lined everybody, so one after the other had to go and sing. I didn't sing. I got beaten up very badly that day by the teacher. Because I didn't know how to sing. So that's a fact. I was like 5 or 10 years old. No, I didn't take interest in music. I used to. So you're victimized in a way. Yeah. Punishment be mila. Punishment. So from that really, I realized. Because you can't sing. Yeah. I mean, you know, there was. Yeah, 50 times. Look, from today I will learn to sing. From today I will learn to sing. Kuch nahi. You used to get dust. Really? No, 1 meter ruler. Uh-huh. Music teacher to nahi tha ye. Ha, music teacher. Okay. I didn't say nothing, but went home. Didn't say anything. Faisla kar diya ki. Then I actually said to myself, this is challenge again. Challenge again. So you're going to sing? I'm going to sing. So I started singing in classes and all that. I started. Na? Then my family came from music. My mom was a very good singer. And my uncle, Baba Bichandra, used to sing for Empire All Boys. My dad was in the band. Yes. He sang at many life functions. Baba. Yeah. I remember him as a primary school student. Yeah. Like Ben Sadi mein. So I went to him, I told him the story, and then he said, okay, sit with me. Then he gave me a few lessons, right, with him. You know, he was singing and said, this is how you sing. So the first thing happened in class 8, actually. There was a few people came from Indian Cultural Center, and we had a big function. They selected 10 people to sing, and I was one of them. In the school? Yeah. So from class 5 to until class 8, in the 3 years, I actually put myself to sing on a stage. So in class 8 there was it was a competition basically, so 10 people got selected. Talent quest, school ala. So and I came first in the talent quest. Very good. And I remember I actually got a trophy. Still got it? I still got it, still at home. Bring it one day. Yeah. We'll revive some memories. Yeah. And my first song, I mean that song which I sang was Dekha Na Tha. Kabhi humne ye shama aisa na shaad really? Pyaar ne diya. Class 8 mein? Yeah, class 8 mein I sang that song. Uska second jo verse hai, kaafi ucha jata hai. Ucha jata hai.
So that's where I started. लगता है वो दो स्केल में गाना है कि चेंज होता है चेंज होता है सो इट्स हार्ड आ दैट वे ऑल्दो यू इट्स नॉट हार्ड टू सिंग बट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट मुखड़ा में चेंज होता है ना मुखड़ा में चेंज होता है हां उसमें हो गए प्यार दो ऑक्टेव्स में गाते हैं ना दो ऑक्टेव्स में दैट्स व्हाट आई मीन ना हमको एक ऑक्टेव में डिफिकल्टी पड़ता है मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग कंपोजिशंस एक्चुअली एंड आई वाज ऑल ओवर एंबिशन आफ्टर दैट अजीत सिंह दैट सॉन्ग was a music director? I think so. It was a Pakistani, I think. Ah, okay. Kannada, kabhi humne ye samajha nahi. Ah, Pakistani ka naam, of course, yes. Just the Bobby and Julie movie ka naam tha, Bobby and Julie. Tumha naam Bobby Tavis rakha na. Actually, I haven't heard that song on stage for nearly 10 years. More than that, actually. Well, I haven't heard for, like, last time I heard anybody sing, more than that, actually. And that's from their own one because I had an ambition to sing in a band from that time basically. Chalo isko sikhe gaane aap fir gaayenge yahan pe. Well, my story is very different because it's very story of your life. It has been so roller coaster. It has been very difficult, especially if you come from a poor family to, like us. Sangeet itari cheez ki to baat nahi hoti. So I remember we had a little red radio. What age? अरे यार बहुत संभालते हैं प्रॉब्ली अबाउट 6-7 मे बी तो क्लास 6 or 7 नहीं आई कांट रिमेंबर कौन सा वुड हैव बीन 6 and 7 इयर्स ऑफ एज मे बी 1-2 रहा 1-2 क्लास 1-2 तो लाल वाला ट्रांजिस्टर रेडियो ऊपर में हैंडल होता है ना हैंडल तो वो घर में कहीं पर लेके जा सकते हैं उसमें डबल बैटरी लगे ना वाला मोटा मोटा दिल आप पीछे ढक्कन नहीं रह सकते बिकॉज क्या करें घुमाएगा उसे खोलेगा बहुत इनक्विजिटिव रखे खोली इसके कहाँ कौन अदबिल मित्र बात कर रहे हैं तो खोद खोद के निकालते रहा उसके तो खोद के निकलते निकलते वो जब क्लिप ऑन तो रहा वाला पीछे बस वो गिर जावे ना उसके अंदर रिबन मिले ना जब बैटरी लगे ना टू पुल द बैटरी आउट तो वही बैटरी हरिकन में काम देता रहा ना आई मीन वही रेडियो सब अगर हरिकन में लेके कार में लगा रहता हम मम से पूछते है कि अपन मासी कहाँ से आदमी लोग आवे ना लोग तो जहाँ माँ उधर जाए हम खोल लेते ना सही So there was a little radio. Nice to listen to Semi Mudaliar. National brand Rao Gasai radio. Yes. Uh-huh. This is a red one. I can draw it and remember ki kaun kala ki kis tarah ka lag raha tha wo. So, and I used to listen to all this radio stuff. Na, to wahan geet sunte the. But singing ka kabhi isa koi interest nahi pahuncha. Until I went to class 8, tum master harmonia lek bhai jaye music lesson jabran thob diya gaya tum upper ki tum music lesson sikho tum master bless sa soka ke baad mein tum khel ke sa kaam asa pa nikle soka hai fir uske baad mein music lesson diya tum daud ke aaya 2 ghanta hum soka ke shaukeen hai na we love soka ab wahan pe koi bell maar de to gussa lag jayega hum log ki team mein ladka lun deri mein lagaya 5 minute thoda ho jaye तो जाके फिर हमें म्यूजिक में बैठता है तो पसीना सब छूटते रहते तो मास्टर हारमोनिया मास्टर का नाम था विजय चंद बाय द वे तो वो बोलता था सात हम लोग सा भाई के साथ करता रहा वी डिड नो इंटरेस्ट ऑल दैट वाज ऑल इन फिजी आई डिड देन आई केम हियर एंड देन वो से सा निकले दिमाग में सोका बोल हां सोका बोल बट जब आई केम हियर तो यू नो आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड पीपल वर प्लेइंग सॉन्ग्स ऑफ एल्टन जॉन येम एंड यू नो स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट But then I got into a group where sab log baja rahe the music hamesha and I was very keen kiya I wanted to play something no some kuch bajana chahta hu main to ek waqt kya hua ki drummer nahi aaya and I was the driver dedicated driver of the car to be sab sharab pite the na to I should drive them designated as ek sobha hona chahiye ha ek bar wo driver nahi drummer nahi aaya dusri bar nahi aaya fir inka yaar chai ka break hota hai bajate kam zyada chai peete hai na ye log jaakar baat karte bade bade bass guitarist ye hame dekh code khojte sab idhar udhar na utam code ka teen code leke chalte the ye physics baat hai nahi nahi yaar aage this is now you in australia ha teen code leke to gaane banate the kabhi kuch mein gaane maanne ke baat hi nahi hota हम भी तो मैंने बैठा वो ड्रम पे बैठा तो किसी ने देखा मेरे को कहता है कि यू लाइक प्लेइंग ड्रम्स आई सेड यस यू नो ही सेड ओके आई सेड बट आई कांट आई डोंट हैव एनी मनी तो वो ले गया मुझे 3 लेसंस दिखाया बाबाज म्यूजिक में आई वाज हियर इन बैंकस्टन एंड देन सिंस देन इट्स नो बैक फ्रॉम देयर सेम बाबाज जोनिया बी लिवरपूल नाउ दे यूज्ड टू बी इन बैंकस्टन सेम कंपनी यस निक का शॉप बहुत बड़ा म्यूजिक शॉप है यहाँ पे इट्स बीन बैंकस्टन सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड आई टुक 3 लेसंस उठाकर डंडा फेंक दिया क्योंकि वो बजाते थे ना म्यूजिक नोटेशन के साथ कम ऑन यू कांट रीड म्यूजिक आई एम टू इंपेशिएंट टू रीड म्यूजिक एट दैट स्टेज यू नो तो दैट वहां से फिर शुरू हो गई बट सिंगिंग आई स्टार्टेड वेरी वेरी लेट स्टेज सेम बिकॉज़ प्लेइंग एंड एवरीथिंग एल्स बैकिंग म्यूजिशियंस एंड ऑल दोस थिंग्स वाज
was my more forte. The music, sangeet, tabhi jab hal, you know, because we're not playing much, then started taking up singing. So this is the interest in music, but you know, some of you out there would have some similar thoughts. Aur zindagi bhi kisi tarah se shuru hui thi music. But one thing comes, what does one thing that comes into your mind jab aap music ke bare mein sochte? Only one thing, the first thing in the one word aap use kar sakte ho. Aapko mauka diya ja raha hai, ek word. Music, basically, to me, if I have music, it hamara mood upar karta hai, makes me happy. Music and mood. Mood, sad, is sad mood? Mood or high mood? Uska mood ho gaya tumhara? Relaxation. Okay. Was similar, to tod ke alag se kuch batao. Uska mood ho gaya. Can be sad mood music, average or very bhadakta hua high mood, na? Really makes you endorphins chalne lagta hai. Time pass. Mine is ekta, mane ki music ke zariye se hum log milte hain, kafi log milte hain, julte hain. और म्यूजिक में झगड़ा भी होता है, लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, वेरी, और झगड़ा भी होता है म्यूजिक में कि यू नो ये नहीं है वो है गलत है. म्यूजिक कंपोजिशंस में भी झगड़े होते हैं और टीम्स, और ये सुनने में आया कि मोहम्मद रफी वाजंट सिंगिंग विद लता और समथिंग मोर देन अ ईयर, कुछ फाइट, कुछ झगड़ा, फिश फाइट तो नहीं था बट डिसएग्रीमेंट थी. And there used to be grudges against each other, na? Ki agar Kishore Da ko bahut zyada mil raha hai gaane to Mukesh ke gaane to ye sab cheez bahut hone lagti hai. Abhi bhi ho rahi hai Sydney mein. But you know, music is something that when we learn, hum jab seekhte hain to it's pleasing to our mind and to our heart. But ab music kahan ja raha hai? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, बट यू नो ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक आर कमिंग आउट. इंडियन म्यूजिक बॉलीवुड में जॉनरा जो अभी है, 10 इयर्स में क्या होगा? शायद हमारा वो जो क्लासिकल म्यूजिक, तो उसका तो बेस ही भूल जाएंगे, सत्यानाश कर देंगे. बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया, बहुत ज़्यादा. और कहते हैं जब एक फीटस, जब गर्भवती माता के अंदर जो बेबी फॉर्म हो रहा है, इट्स बीन शोन साइंटिफिकली, दे कैन एक्चुअली हियर एंड अप्रिशिएट म्यूजिक. म्यूजिक ना, इसलिए आजकल बोलते हैं कि यू नो इन योर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी हैव सम नाइस म्यूजिक. तब ऐसे वो गाना सुना है, ला 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 लोरी, जब रोवे ना, जैसे बेबी निकले गाना गाने लगे ना. And of course, any baby, you sing song. Yeah, they can actually appreciate and hear whilst in the amniotic fluid, na? Well, in vibrations. Of course. So let's play another song and take a break, and we'll aur bhi baatein karenge hum music ke bare mein. Dum maro dum. Singing in the swimming pool. I haven't seen this film. Have you seen it? वही प्रमोट करे, फिजी में भी जाएगा तुम्हारा ये मैसेज है, इस गाने को कोलर ट्यून बना सकते हैं. नंबर वन दवाई के कोलर टून में नहीं, पैसा सच कट जाएगी अकाउंट में से. वेल, म्यूजिक के बारे में बात करें, म्यूजिक की जब बात होती है तो हम म्यूजिक एक ही बात कह सकते हैं कि हल्ला, क्योंकि म्यूजिक हम शांतिपूर्वक बजा नहीं सकते, सुन सकते हैं शांतिपूर्वक लेकिन बजा नहीं सकते. हमेशा लोग जब शो में आते हैं ना, दे कम टू द शो ना, और क्या होते हैं वो जाकर आगे बैठ जाते हैं. बुजुर्ग लोग बुढ़ा लोग के सीट ना आगे बैठा बेचारे. And the plan, and so it happens क्या कि जो sound system है सामने ही होता है, धड़म धड़म मारे हैं दिमागे, हमेशा बुलाते रहते हैं, धीरे करो भैया, धीरे करो बेटा, यहाँ आस्ते करो. और वो पीछे वाले कंप्लेन करते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा. तो यंग वंस एट द बैक. It should be the other way around. They should have in the middle में, hip replacement वाले हमारे जो थोड़ा पीछे ना, फिर आगे. नहीं तो आगे सीट दे, बोले आगे एंट्री एग्जिट इजी है ना सबके, बोले बोले कमती आके ही दिखाए, मेन चीज आके कमती दिखाए, बट साउंड आके कमती दिखाए, बस साउंड में जस्ती रहे ना. डिपेंड स्टेज में कौन रहे ना, अगर डांसर्स आ जाए न्यूजीलैंड वगैरह सब, तो सब आगे बढ़ा रहे. Entertainment, yeah. Well, हाँ, एक ही जब बात होती है म्यूजिक की तो वी थिंक ऑफ नॉइज, क्योंकि बहुत सारे नॉइज है और आवाज, साज आवाज के जरिए से संगीत पैदा होती है, लेकिन म्यूजिक इज आई वेरी सूदिंग थिंग.
और थेरेपी भी है, कई कई बड़े डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया है म्यूजिक थेरेपी. एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव अ थेरेपी डॉक्टर अपना अपने सर्जरी में भी करते हैं. मन मन को शांति दिलाता है. दे से दैट इफ यू आर स्ट्रेस्ड और दिस प्रॉब्लम्स हैपनिंग यू अपना आजकल हेडफोन्स है ना, नोबडी कैन हियर व्हाट यू हियरिंग. कौन सी बोला चलते रहे कुछ बात करते चला जो से बोला सुना नहीं दे. यू नो यू लिसन टू सम म्यूजिक इट एक्चुअली चेंजेस योर ब्रेन केमिस्ट्री. एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं. एंडोर्फिन्स एंड मूड चेंज कर देता है. There are songs which are, you know, जो music है जो some good genres होते हैं, कुछ लोग sad हैं, moods के हिसाब से लोग गाने सुनते हैं. And I have never been able to figure out कि लोग क्यों पुराने के सुनते हैं, कोई नए सुनते हैं, कोई अलग. Some people like pop music ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो like करते हैं, color hair कर लेते हैं, उनका अलग style होता है, rock and roll होता है ना. And they will only like rock and roll. जो कलर है करते हैं उतना डिफरेंट. इसीलिए आजकल के जो डिस्को जो डिस्को लाइट्स है वो सब कलर हो गए हैं. अभी अभी जो आपने नृत्य कला देखा ये आप पूछ रहे हैं वो क्या प्रमोट कर रहे हैं. उसका कपड़ा स्टाइल देखा आप. हेयर स्टाइल बार का स्टाइल वो अलग म्यूजिक है ना. दम मारो दम उसमें तो वो है ना नशीले पदार्थ का मेरे हिसाब से ज्यादा प्रमोशन प्रमोशन था दम मारो दम. और कोई अच्छा स्विमिंग सूट का ही अच्छा स्विमिंग पूल भी है उसका प्रमोशन भी अच्छा होगा. तो आजकल गाने के जरिए से काफी लोग यूटिलाइज कर रहे हैं विजुअली प्रेजेंस कि किस तरह से हम लोगों को लुभाए ना. आजकल ये भी हो गया डिस्को लाइट से दे मूव विद द रिदम ऑफ द लाइट. आप जब ड्रम बजाएंगे वो आपका जो ड्रम किक होता है ना तो लाइट उधर ताके गाइस से ताके गाना इट मूव्स. इट्स गॉट अ सेंसर सो इट एक्चुअली मूव्स विद द रिदम. इट्स गॉट इंफ्रारेड और सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ. तो वो खसकेगा ना ड्रमर इधर आ जाएगा वो फॉलो करेगा आपको. द लाइट मूव्स विद 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 द साउंड. और ऑफन म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग एंड पावरफुल मनी मेकिंग इंडस्ट्री. बहुत सारे इसमें मनी इज इन्वॉल्व बिकॉज फॉर अ ट्यून टू क्लिक आजकल क्या हो गया है कि अगर ट्यून अच्छी आ गई है तो आपका कॉलर ट्यून बन गया. क्योंकि दिस स्मार्टफोन्स आर क्वाइट बिग ना. एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू मेक अ कॉलर ट्यून. इन इंडिया इट्स क्वाइट बिग. अगर गाने हिट हुई तो उसका कॉलर ट्यून बन गया. तो एक बार डाउनलोड करें एक मिलियन डाउनलोड तो एक घंटा तो मिलियन डॉलर्स आ गया. डॉलर खाली. सो आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री जो पहले था हम लोग सीडी बेचते थे वो सीडी का जमाना गया. और पायरेटिंग के बारे में भी बात करेंगे हम कुछ. पायरेटिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते. बट आजकल इसी तरह से लोग पैसे कमा रहे. वो दिन गई कि आप अपने वीडियो एल्बम्स या तो फिर सीडी एल्बम्स रिलीज करो. किसी ने मुझे कल पूछा आई वांट टू रिलीज 8 सॉन्ग्स यू नो. सर कहाँ रिलीज करोगे सब पायरेट हो जाएगा. कहते पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बनाना चाहता हूँ. सर गुड बनाओ. 7-8 गाने की रिकॉर्डिंग करते 15 गाने की रिकॉर्डिंग मैं करना चाहता हूँ. मैंने बोला करो भैया 15 सॉन्ग्स व्हाटएवर बट पर्सनल कलेक्शन के लिए. क्योंकि बेचेंगे तो नहीं क्योंकि सब डाउनलोड करके वो पायरेट कर लेंगे ना. फिर कॉपीराइट के भी आ जाता बात. हाँ बहुत लोचा आ जाता ना. तो संगीत इज हल्ला. मैं आई थिंक इट्स हल्ला. एंड पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है. और काफ़ी लोगों का घर भी बिगड़ गया है. इन अ सेंस कि बेघर हो गए म्यूजिक के जरिए से. झगड़ा होता है बीवी और अगर आपकी जो बीवी फैमिलीज में भी रिलेशनशिप्स तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड अ बैड थिंग इज वेरी इन सेंस एंड बट इट इज़ वेरी गुड. इट्स अ गुड थेरेपी. खास तौर पर हमारी आजकल की जो जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं और आजकल कंप्यूटर भी आने लगा जिसमें स्पीकर फिटेड है ऑटोमेटिकली. तो उसमें आप म्यूजिक का मनोरंजन ले सकते हैं ना. और कहीं कहीं पर तो आप म्यूजिक सुन नहीं सकते. तो जहाँ पर साधन है सुनने के लिए तो आप सुन सकते हैं. क्या था जो फर्स्ट मोटोरोला फोन निकला था मेरे पास बड़ा वाला ब्रिक. उसमें साउंड का साधन नहीं था. अभी तो सभी फोन में ये फोन नहीं तो वी वोंट सेल ना. ब्लूटूथ आ गया ना. सब इलेक्ट्रॉनिक आजकल करने लगे लोग. सीधा फोन सेंड कर द रेडियो टू द कार रेडियो ना. दैट्स राइट. वायरलेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट आया था वायर. अब तो वायरलेस. So music is something that it is close to my heart. So you know, it is very close to my heart. Because my time, actually, when you look around, it passes with music. And कुछ भी करते हैं घर गाड़ी में बैठते म्यूजिक चालू. क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इसने कहा कि यार गाड़ी रेटल कर रही है. म्यूजिक इतना गाड़ी में बजता है तो रेटल कहाँ सुनाई देगा आपको.
तो ये सुनते नहीं है, कभी कभी इतना ज्यादा ब्लास्ट करेंगे तो फोन भी आता है तो फोन भी नहीं सुनाई देता है. हालांकि फोन तो नहीं आंसर करना चाहिए, बट या तो फिर सायरन है ना, सायरन जो होती है पुलिस की, सायरन बड़ा मुश्किल से सुनाई देता है. आज तक तो ये जो ब्लूटूथ आता है ना तो सेल्फ फिटेड है, आपका फोन आएगा तो म्यूजिक कट ऑफ हो जाएगा. म्यूजिक कट ऑफ हो जाता है. ब्लूटूथ का ये जो कमाल है, जो गाड़ी में लगती है, क्या होता है कि जैसा ही फोन आएगा आपका तो म्यूजिक कट हो जाता है ना, तो आपका फोन बजने लगेगा. अगर आप काट दोगे फोन, म्यूजिक फिर चालू. What are the side effects of music? What do you think are the side effects? Well, काफी side effects जो बहुत जोर सुनते हैं वो भेरे हो जाते हैं ना. भेरा हो जाते हैं. People who hear too loud music, because हमारा जो कान में वो जो मीडिया का जो balancing mechanism है सुनने का, कुछ लोगों को industrial deafness होता है. मान लो अगर आप कोई drummer है, इंडस्ट्रियल ना, तो वो जो हैवी मशीनरी यूज करते हैं इसीलिए आजकल वो सब EMFs यूज करते हैं. नो जी, अगर भी ग्रास काट रहा हो प्लीज यूज EMF, नहीं तो बहुत जल्दी बहरा हो जाएगी. सो दैट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ म्यूजिक कि इफ यू डोंट डू इट प्रॉपरली. जो गिटारिस्ट है शायद उसका जल्दी वो आर्थराइटिस RSI, आप देखेंगे वो जो गिटारिस्ट है वो हर वक्त इस तरह करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते, तबला प्लेज वगैरह. द अदर साइड इफेक्ट इज बेसिकली एडिक्शन. कुछ लोग इतना अडिक्ट हो जाते हैं कि वो काम पे भी दिन भर 24/7 वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे ना, आइदर ट्यून्स और म्यूजिक और समथिंग. तो जो एडिक्ट होते हैं, इफ इट इज नॉट अर्निंग देम एन इनकम, कैन बी अ बैड थिंग ना. फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस. थोड़ा देर में म्यूजिक आएगा, बोला तुम्हारे ऑल योर गिग्स आर गॉन मेट, तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा हो गया ना, देन फाइनेंशियल स्ट्रेस, देन यू निग्लेक्ट योर फैमिली एंड घर से बेघर हो जाते हैं. इट इज नॉट योर प्रोफेशन. इसीलिए वो संगीत जो गिटार लेकर रास्ते में चलते रहते हैं, क्या वो गाना क्या है, नो रास्ता में चल के वो गाना बजाते रहते हैं. हमारे वो सलन साहब बजाते ना गाना, वो स्ट्रीट में चल के गिटार लेके दिल वाले गिटार बजा के वो चलते रहते हैं स्ट्रीट में. दैट्स राइट. तो सेम थिंग, बिकॉज़ एक्चुअली ओवर डूइंग म्यूजिक इज एक्चुअली कैन बी हार्मफुल टू यू एज वेल. आपका ब्रेन पर स्ट्रेन एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन और हल्ला भी बहुत ज्यादा है ना. आई मीन सूदिंग म्यूजिक इज गुड बट हल्ला बहुत ज्यादा है. अभी फर्ज कीजिए आप कहीं ये वहां पर कीर्तन हो रही है, है ना, कीर्तन हो रही है तो उसका वो हाई फ्रीक्वेंसी जाता ना, झांझ बजता है, कोटा रोड बजाते हैं ना, कोटा रोड दंड. पहले तो ढोलक एक था, आपको तीन चार ढोलक हो गया. हमारे फिजी के ढोलक प्लेस का स्टाइल भी थोड़ा अलग होता है, काफी जोर पीटते है ना. फिर दंताल, फिर झांझ वगैरह. वो जो झांझ बजाते हैं ना वो एक नहीं बजता, तीन चार बजता है. उनका साउंड जो है ना वेरी कैची है, लगातार सुनते रहते हो. क्योंकि आजकल यहाँ पर किसी की यार देखो तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, घर में ही पूजा करते या तो यू नो सेलिब्रेशंस करते हैं. पूजा की बात हुई तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में सभी ओकेजन में म्यूजिक होते, शादी में, फ्यूनरल के बाद जो भजन कथा होते हैं, जब हमारा मूडन होता है, और आजकल फ्यूनरल पाला में हम देखते हैं किसी का जो ध्यान दिलाते हैं, नाइस म्यूजिक हो, समवन्स फेवरेट म्यूजिक लगा देते हैं ना, किसी पर्सन फेवरेट म्यूजिक लगा देते हैं ना. सम ऑफ द म्यूजिक्स आर क्वाइट टचिंग. म्यूजिक से लोग रोते क्यों है? I think it's again affects the brain chemistry. Now it might bring a memory back. Touches your heart, you know. किसी का यादाश्त ताज़ा हो जाता है ना. जैसे कि ये फिल्म के गाने भी रिलीज हुए थे आशिकी का, तुम ही हो मेरी आशिकी तुम ही हो. तो it became a super hit. उसके जरिए से वो गाना such a hit song for him, no? A lot of romantic people they might remember the past loves or you know broken relationships and उसको वो हम पेड़ के नीचे देखा था, पॉइंट में बैठा रहा, फ्लो खात रहा था, यू शुड लिसन टू दिस म्यूजिक. सो वी मेकिंग अ लाइट ऑफ इट बट इट्स एक्चुअली ट्रू. हाफ लोग या क्रिंपन, हाफ लोग ड्राई करता रहा, हाफ लोग ड्राई, दो लोग रहते तो हाफ हाफ तो करना पड़ेगा ना. हाफ लोग ड्राई तो नहीं रहा कि टिन फिश रहा, नहीं टिन फिश मंगे रहे के एसएसएफ. तो सो एसएसएफ नितिन जी आप सुन रही है ना, ओशन थोड़ा प्याज मांगे रहे और पिजेला मिर्चा बैठ जाए है. सुबह पन के लिए नहीं रहे तो बगल में तू लो बटने बाग पॉप्स और पॉप्स नहीं. तो एनीवे सीरियसली सम पीपल इट ब्रिंग्स बैक रियली रियली डीप मेमोरीज ना और लॉस्ट वन. समटाइम्स पीपल रिमेंबर समवन दैट हैज गुजर गया ना, मोर यू नो मोर सीरियस नोट माइट ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ. रचना होती है उसमें ना, क्योंकि जो लिखते हैं जो लोग ऑफन दे राइट समथिंग व्हिच एक्चुअली मेक्स अप अ स्टोरी.
वो जो शायर होते हैं क्या लुधियानवी गुलजार ऑल दिस फेमस समीर आनंद बख्शी जी दे आर वेरी स्किलफुल पीपल पुराने जमाने के जावेद अख्तर स्टिल राइटिंग विद मीनिंग ना शायरी से जोड़ते हैं ये लोग किस तरह से बट इट्स अमेजिंग कि हम लोगों की जो म्यूजिक की जो जोड़ है किस तरह से होती है हाँ बहुत झगड़ा भी होता है म्यूजिक में हालांकि वन ऑफ द बैड थिंग अबाउट म्यूजिक इज बहुत झगड़े होते हैं पॉलिटिक्स आजकल लेकिन ये म्यूजिक में पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है ना नहीं तो पॉलिटिक्स क्यों आता है बिकॉज फिर चढ़ा ऊपरी मतलब फेम और मनी आ जाता है ना कि भाई हमारा मान लो किसी ने शो किया भाई इसके शो तो हिट हो गया हम इसको अब काटेंगे एक हफ्ता पहले शो करेंगे मान लो कुछ लोग करते हैं इसे ऐसा ही होता है कोइंसिडेंस नहीं होता है ना ना कोइंसिडेंस ये होगा कि उस उन लोगों का शो से आगे जब एक शो जब होगा फिर कोई करेंगे तब बोलेंगे भाई ये क्या हो गया है ना कोइंसिडेंस लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए हमारे 60s का जो म्यूजिक का दौर था विच वॉज रॉक एंड रोल मेरे हिसाब से स्टार्टेड रॉक एंड रोल स्टार्टेड मिड टू लेट 60s उससे पहले क्या था क्लासिकल वगैरह थे मोस्टली क्रिकेट चलाते थे वो ना गले में हमारे हिंदी म्यूजिक में तो बेसिकली मोस्टली सेमी क्लासिकल या क्लासिकल जो ये मुकेश जी और रफी किशोर आए तो थोड़ा वेस्टर्नाइज होने लगे पॉप बॉलीवुड हैव यू नोटिस समथिंग ऑफ द 60s सिंगर्स हमारे जो थे सब नाक से बहुत ज्यादा गाना गाते थे इवन द लेडीज गीता दत्त वगैरह सब नाक से गाने गाते थे आई थिंक समथिंग टू डू विद द तार जो सितार का वो तार जोड़ते थे हारमोनियम का नोट होता था कुड बी है ना हां नहीं नहीं आई एम लाफिंग बिकॉज़ मुझे गाना याद हो गया वो गाय मेरी मीना रो रही है तो वो यू एग्जैक्टली आई एम नॉट लाफिंग एट यू आई एम लाफिंग एट व्हाट यू आर सेइंग केएल सागर कौन गाया था हां वो सब गाने आप सो व्हेन यू सेड दैट समथिंग केम टू माय माइंड दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग कि भाई एग्जैक्टली वो पूरा नाक ही से उसके एकदम तार में तार बिकॉज़ वो बगल बैठे रहते थे ना तो वो देखते कौन सा रीड दबाया उसके संगे संगे चलते तो दैट वाज 60s का एरा ना फिर उसके बाद में 80s का दौर आया 80s में आया किशोर कुमार आए मोहम्मद रफी तो इनका ये थोड़ा नाक से नीचे आ गया ना ये 70s में शुरू हो गया लेट 60s से शुरू हुआ ना 65 का मूवी फर्स्ट था दैट वाज रिलीज्ड इन 70 तो जब ये नाक से जब नीचे आया तो किस तरह से गाने शुरू हुए तो शुरू है ना वो सब गाने शुरू फिर डायफ्रेम में बोलते हैं हमको बताते कि यहां गजल गजल है ना फिर बाद में गजल और गजल से भीतर से वो सब शुरू है ना तो यहां से गा के यहां चिल्ला कर वो लोग यहां आ गए अब सब तीनों डायफ्रेम तीनों मात्रा का हो रहा है ना अब बट खाली डायफ्रेम से नीचे नहीं जाना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो ये कुछ शेयर कर रहे हैं हम थॉट्स आपसे क्योंकि दीज आर वेरी यू नो वी ऑब्जर्व सिंगिंग टेक्निक्स ऑब्जर्व्स एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि जब लोग गाते हैं गाने तो कहते हैं अरे ही साउंड्स लाइक मुकेश अरे ही साउंड्स लाइक किशोर अरे ही साउंड्स लाइक तुम्हें आवाज है ना बिल्कुल किशोर कुमार बट आपको ये बता दें कि आपकी आवाज मिलती है किसी से लेकिन बिल्कुल बाखूबी उसी तरह से नहीं होगा एंड इट इज रियली बैड टू से कि भाई सिडनी का किशोर दा आप नहीं कह सकते क्योंकि आप उसका वो कर रहे हैं ना इंसल्ट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े कलाकारों का आप इंसल्ट कर रहे हैं आई थिंक दिस इज समथिंग अस इन सैरो शुड लर्न शुड फोरम एंड एड्रेस इट कि भाई यू आर नॉट सिंगिंग लाइक आई ओ बी ओ सी यू नीड टू सिंग लाइक योरसेल्फ सिंगिंग लाइक योरसेल्फ आप मिमिक कर रहे हैं उसको मिमिक्री कहते हैं हम टर्म्स में कि आप ट्राई कर रहे हैं कि हम मोहम्मद रफी के साथ की तरह आवाज़ गाए और किसी ने फरमाया कि आपकी आवाज़ नाक से नेजली कुछ गाने में आ रहे तो ये इसके तरह लग रहा है तो डू नॉट मैं ये कह रहा हूँ कि कॉपी भले कीजिएगा क्योंकि इफ़ यू वांट टू साउंड नाइस टू कॉपी जैसे कि योडले करते हैं फॉर एग्जांपल डॉग डू कॉपी बट डोंट कॉल योरसेल्फ इट डजंट बिलोंग टू अस ना दिस ओरिजिनली ट्रेडमार्क वॉइस किशोर दा का वी ट्राइंग टू डू इट लाइक हिम एक्चुअली ये आपने जो मुद्दा उठाया है आजकल एक को गाना बनाने है विद योडली तो 80s का जो दौर था डॉग कि वो नीचे से गाने गाते थे 80s 90s के दर्द भरे गाने आए अब फिर आप नोटिस किया कि आजकल के लेटेस्ट गाने यहाँ से आने लगे बैक आपने नोटिस किया है शायद सोचा नहीं होगा नहीं जितने रैप आर्टिस्ट थे जितने सिडनी में इवन सिंगर्स लाइक
शंकर महादेवन है पीलू क्या नाम उसका यार अपना मे बी बिकॉज हाई पिच करने के लिए वोकल कोर्ड में से आवाज तो यहाँ निकलती है लेकिन वो उसका थोड़ा जो ज्यादा दबा देते है ना साउंड जब बाहर यार माइक्रोफोन में फिल्टर लग जाता है फिल्टर चेंज कर दे सो नाउ इट इज मूविंग अहेड ना पहले इधर से गया अब वापसी में बाहर वापसी बाहर मोर ऑफ द सिंगिंग सॉन्ग्स दैट यू हियर लेटर सॉन्ग्स जितने भी आप सुनोगे तो करके वो मूड डिलीट करते अपनी आवाज तो दीज आर सम द थॉट्स वी डू एंड वी ऑब्जर्व एंड एज सिंगर्स आई थिंक वी नीड टू ऑब्जर्व एंड लर्न बिकॉज समय के साथ होना चाहिए ना Move with the times. Yes. Always. And हमारे पास बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे इंडियन इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर से लेके म्यूजिक कंपोजर से लेके सिंगर्स तक एंड उनकी अलग होती है ना क्या बोलते हैं उसको अलग एक कंसोर्टियम होती है जहाँ पर वो मिलते हैं जुलते हैं बैठते हैं बट आजकल का जो पॉलिटिक्स हैं इट इज एक्चुअली चेंज The whole society has changed. Na? दरवाजे पे कोई कहे आया लगता है KL Sahagal जी आ गए. Time for a break. हाँ, एक break लेते हैं KL Sahagal से हम बातें करें. Break के बाद carry on with a bit more serious business. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya. Aao chat kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. Banjo bar raha tha ji? Banjo. Indians are also playing banjos now, na? Banjo mil raha hai yahan pe. It's Hawaiian guitar. किस तरह से थोड़ा सा ये बीट वीट वगैरह चेंज करके लेके आया बड़ा अच्छा लगा मेरे को Was nice. Yes. The singer was good too. Yes. Juanita Gandhi. If you really want to see different type of guitars, actually, you know, when you go to Mexico, when they have got the people actually play live on streets. Your buskers on the street. It's the show. Then you see people playing there. Andre. Tariba. It's beautiful. सो आज हम म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन म्यूजिक एंड म्यूजिक के ही जरिए से एंटरटेनमेंट होती है और लेट्स गो बैक इनटू द यस्टरडेज जहाँ पर आप हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जैसे कि एल्विस प्रेसली माइकल जैक्सन एनी नेम्स दैट यू नो फ्रॉम योर टाइम जो वेल हमारे जो माइकल जैक्सन साहब थे वो तो भी रिसेंट थे लेकिन 70s 80s हमारे इंडियन बॉब माली वाज वन ऑफ द थिंग्स जी हां बॉब माली वाज वन ऑफ उनका अलग ना अलग स्टार्ट किया ना म्यूजिक अलग जॉनर उन्होंने किया क्वाइट पॉपुलर एक था रॉय ओबिसन ही सिंग लाइक एल्विस मेरे ख्याल से उसका बेचारे का प्लेन क्रैश में ही डाइड ओके फिर जॉन डेनवर था कंट्री रोड जॉन डेनवर ही आल्सो टूर्ड ऑस्ट्रेलिया बट उसका भी देहांत एक प्लेन क्रैश में हो गया था व्हाट योर जॉनर द सॉन्ग्स आई एंजॉय द मोस्ट आई वुड से 70s पॉप 70s 80s रॉक एंड रोल पॉप रॉक एंड रोल फास्टर नंबर्स फास्टर सॉन्ग्स And Although lately I'm learning a bit of classical music on trying to learn just for voice improvement on the harmony, not to sing it, hardly practice, na? Only hard chale ke liye. Man's 70s and 80s basically. 70s and 80s ka? Yeah. So hamara dimag mein wo goonj raha hai na, school bus mein jab jaate the to dil dekh dekho agar gana Shami Kapoor ka era tha na, jaise abhi jo bacche high school mein hai, तो हम जब ही प्रिपरेशन के बाद 20 साल में घूमेंगे
तो उनके बच्चे जो अभी के गाना के बोले डैड क्या सुन रहे हो ना बोले ये देखो टॉप सिंगर था श्रेया घोषाल अलका एंड ऑल दैट बोले ना इनको सुनो अब सो इट्स अ साइकिल ना ऑल द हिट सॉन्ग्स विल रिमेन फॉरएवर ग्रीन जैसे हम अभी तक 60s के गाना सुन रहे वन ऑफ द नेम दैट कम्स टू माय माइंड इज इज आवर लेट आर डी बर्मन हु इज एक्चुअली आई ऑलवेज थिंक ही हैज मेड म्यूजिक फॉर द फ्यूचर इन अ सेंस कि जितने भी उनके गाने बने हैं अभी तक मशहूर है और हो रहे हैं क्योंकि फिल्म्स में आप देखेंगे आजकल सब रिमिक्स करके वो अलग अंदाज से लेकर आ रहे एंड ही वाज वन ऑफ द पर्संस व्हिच आई थिंक ही वाज अहेड ऑफ जीनियस ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम ही वाज अ जीनियस एंड जितने भी अभी जो म्यूजिक कलाकार आप देखोगे काफ़ी के नाम पुराने हैं तो निकल गए मार्केट में से जैसे कि लक्ष्मीकांत पैरेलल हो गया है आनंद बख्शी क्या ना आनंद मिलंद ये सब जो लोग थे नदीम शर्मा नदीम शर्मा तो गया ना उनका हीरा था 90s का हीरा था ना वो भी जो कुमार शानू का हीरा उसके साथ था एंड बट दिस पर्सन की आरडी की जो मैं बात कर रहा हूँ उनके अभी तक गाने बज रहे हैं वेरी लिल्टिंग सॉन्ग्स ना उसके गाना लगते तो पीपल वांट टू डांस ना उसका बीच से पता लग जाता कि लगता है आरडी पर बन गया बंगाली ना बंगाली बंगाली किशोर कुमार पंचम बोलते थे ना सारे गामा पा वो पा में हरदम मोस्टली गाना अपन करते थे अच्छा 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 व्हिच इज बेसिकली जी शार्प टाइप ऑफ नोट पंचम ना अगर आप इफ यू गो ऑन द नॉर्मल All his compositions were on B. Generally, yeah. Because he came from a music family, right? Sare Gamappa. S.D. Barman, his pitaji, he was a good music director and singer too. S.D. Barman. What is one of... Let's go to the new song, Doc. What is one of the new songs that you like and that you have sung? Naya song, way if you link it back... जो ने आपने गाए हैं जो आपको अच्छा है ना थिंग्स लाइक चलाओ ना नैनो से बांध रहे इट्स अगेन सेम एज दो 70s 80s टाइप ऑफ सॉन्ग्स ना दादरा में डांस सॉन्ग्स ना आई लाइक दैट सॉन्ग साड़ी के फूल से सर आई डोंट नो व्हाट दैट सॉन्ग मींस यू प्रोबब्ली नो द लिरिक्स आई हैवंट सेंग इट बट उसमें आई डोंट नो कि इसकी मीनिंग क्या है साड़ी के फूल से तुझे कैच किया रे ना समथिंग यू सिंग दैट सॉन्ग बट अभी ये साल मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा गाना निकले जो वी कैन लर्न फॉर आवर नेक्स्ट शो तो अगर किसी को कुछ सजेशन हो बताइए वी शुड ऑलवेज सिंग वन न्यू सॉन्ग नए गाने तो हमेशा हम गाते रहते हैं और सो मेनी न्यू सॉन्ग्स आर कमिंग इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप बिकॉज़ सारे नए सिंगर्स भी आए गए दे सिंगिंग एट अ वेरी हाई पिच हां वेरी हाई अभी तो मैं बोल रहा ना कि उनका दौर चल चेंज हो गया ना सब नेजली हो गया नेजल हो गया हां चेंज हो गया जॉनर ऑफ म्यूजिक हैज चेंज एक्चुअली इन यू वन ऑफ द सिंगर्स लाइक केके ही सिंग्स इन अ वेरी हाई पिच एंड ही इज ऑफ कोर्स अगेन बंगाली शान आल्सो यूज्ड टू सिंग ही स्टिल सिंगिंग इन अ वेरी हाई पिच शंकर वाधवन इज फ्रॉम साउथ उसका तो फाड़ू जिसे लोग कहते हैं ना फाड़ू कहते हैं हिज वॉइस इज क्वाइट एक्सट्रीम यू नो बहुत सारा बहुत ऊंचा सर मोस्ट ऑफ देम ट्रेन्ड क्लासिकली ट्रेन्ड मतलब है वो अपना वॉइस ट्रेनिंग करते कि उतना पिच ले लेंगे ना बट सिडनी में भी बहुत सारे हमारे म्यूजिशियंस हैं और संगीत कलाकार हैं जो चार चांद लगाते हैं सिडनी में एंड दे आर गुड म्यूजिशियंस सम ऑफ देम आर गुड Some of them have played in so many bands around here. And हमारे भी यहाँ पर कुछ किशोर कुमार हैं से लोग कहते हैं कुछ मोहम्मद रफ़ी हैं और ऑफन वी सी कि हम लोग जो यहाँ शोज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं किसी सिंगर का उसके ज़रिए से हम पैसे कमाते हैं तो म्यूज़िक इज़ वन मीडियम वे यू कैन ऑफ कोर्स मेक मनी प्रोवाइडेड आपकी जो कंपोजिशन से अच्छी हो उसे आप पैसे कमा सकते हैं और कॉपीराइट का थोड़ा ख्याल रखना ध्यान रखना Because some people will find out and kya rules there? What, how much of a music can you use? Yes, 30 seconds. 30 seconds of another song. Haan, 30 seconds of piece ka hai, I'll use kar sakte hain. Wo jo gana hai, actually Roy Orbison ka gana tha, Pretty Woman. 30 seconds is asti le liya, ek second bhi to gaya. Wo kid guitar riff jo bata da, that's from Roy Orbison. Indian musicians bhi kaafi copy karte hain. Chinese music hai, Korean music hai. They're known to copy Arabic music. Iraq, Iranian wala bhi hai. Haan, bahut sare music copy karte hain. But agar music na hoti to zindagi mein shayad hum log aaj yahan hote nahi, baat nahi karte kyunki music ke zariye se hum log milte hain aur program ke liye aate hain na. Aur sangeet ka matlab hai sangat, sang satsang ki sang hai na. Ab ek aadmi jungle mein jakar akele gayega to chidiya log ke sange to maza nahi dega na aur sab log स्टेज पे रहेंगे या हारमोनियम दंता लेके बैठे संगत करके तो एक राउंड से सब गाते रहते ना
It's wonderful how music has actually taken its turn into our life. And question. Best instrument? For you, for us, for individually. What is your best? What instrument do you like the sound of best? Sarangi. guitar. Paranji. The sound. I like strings. Strings? Kwaya strings jo hota na, wo teen char jab wo saab ne bajate hai. That itself, I love it. I just love to hear all the orchestral pieces, no? So strings. Yours was? Guitar. Strings. Huh. Violin. Huh. I like the sound of jo violin hai na. Hamare almost all of the hit songs mein aap dekhenge background mein. Yahan pe to log violin keyboard. Lekin if you sunenge wo jo uska soothing sound hai, you can produce any note on the violin. Any song. और खास बात यह है वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है जैसे हम गिटार में थोड़ा बहुत मैं भी बजा लेता हूँ तो हम देखते हैं कि तो वो नोट कहाँ से पिक करते हैं वो अलग अलग हिसाब यू हैव टू लर्न इट वो जो उसका जो बो होता है ना कहाँ कितना प्रेशर लगाएंगे कौन वाला स्ट्रिंग खींचेंगे तो वो फ्रेटलेस है मतलब हम नोट जो है यू कांट डू कि वो फिफ्थ में आ गया चाहिए ए बजा लिया हमने ई चला गया ना थर्ड फ्रेट में गया जी ओ सी होल्डिंग डोंट होल्ड प्रेस दे डू दे प्रेस बट द प्रेस नहीं है ओके फ्रेट्स नहीं दैट्स व्हाई यू कैन रियली क्रिएट ऑन द वायलिन ओके ऑक्टेव्स आई लव द साउंड ऑफ दैट यू स्टिल हैव टू प्ले इन योर सेवन नोट्स शार्प्स एंड फ्लैट्स 14 नोट्स होते हैं ना सेम है सारंगी ना सारंगी के भी Is violin sitar has got frets, but sarangi is it fretless? Probably is. It is. I think sarangi is violin basically. Originated from there, na? Yes. Sarangi goda ke bar se jo banati hai na. To sarangi bhi bau se bajaya jata hai. Usme bar rehta hai lakdi ka. Music ki history dekhe to kahin na kahin jaise ki we always say ki Hinduism is the oldest religion on earth. And who do you think guys created music? वो तो फैक्चुअल बात है ना हिंदू रसदेन में वो बताते थे डमरू वाले बाबा डमरू बजाया करता था 5000 साल पहले तो हमारे जो हिंदू धर्म के मानते हैं कि वो भगवान लोग बहुत साल पहले म्यूजिक बजाते थे गाते थे और उनकी आवाज क्या थी वो होगी ना उस वक्त बुलंद होगी थी ना और बजाने वाले बहुत कम थे बांसुरी बजाया करता था अच्छा तो सभी जितने भगवान होते हैं उनका कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट रहा और वो संग बजाया करता था विष्णु भगवान ना शेल फिजी में जो भी बोलते हैं दवुई बहुत बड़ा संग होता था ना एक संग था महासंग बट उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे फिर तो हम रिलीजन में चला जाएंगे तो वहाँ से अंग्रेजों ने म्यूजिक को उठाकर उसका एकदम टोटली चेंज करके वेस्टर्नाइज करके कमर्शलाइज हो गया इट्स वेरी कमर्शलाइज बट फिल्मों में जिस तरह के आजकल म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक इज टोटली डिफरेंट जी और हमारे जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो माता है यानी कि सरस्वती वो सितार की तरह म्यूजिक था सितार नहीं था शायद सरोद कोई इंस्ट्रूमेंट है मुझको उसको शुआ करना इट्स लाइक अ सितार लाइक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था बट इट वाज एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट ना तो वहीं से सब नोट्स और सब हमारे जितना राग्स का जो शुरुआत हुआ है वहाँ से आया फिर तानसेन वगैरह उसको फिर बनाकर ज्यादा कर दिया ना वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक और कल्चरल इंडियन पॉप कल्चरल वेस्टर्न आई प्रेफर इंडियन सेमी क्लासिकल म्यूजिक इंडियन सेमी क्लासिकल पाकिजा के जो गाना है ना इन्हीं लोगों ने दैट टाइप ऑफ म्यूजिक थोड़ा थोड़ा मिक्स रहता है ना थोड़ा मॉडर्न आ जाता है थोड़ा पुराना हो जाता है कल्चरल म्यूजिक जैसे कि कीर्तन हो गया पहले नहीं बताया कीर्तन होल फैमिली कम्स फ्रॉम अ म्यूजिक बैकग्राउंड आपका तो यू आर ब्रॉट अप विद दैट ना मजीरा एंड हारमोनियम एंड ढोलक ओह या या आई मीन वी यूज्ड टू वी वर वेरी लिटिल व्हेन वी यूज्ड टू गो टू डू रामायण एंड ऑल दिस थिंग्स वेरी लिटिल से आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न बिकॉज़ मैं व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड मैं परदेसी हो गया था ना सो आई बेसिकली स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन एंड आउट हाइब्रिड इंडियन बन गया ना तो आई वाज इन न्यूजीलैंड फिर यूके गया तो आई केप्ट अप विद द चार्ट मतलब ये क्या चार्ट से मैं 19 ईयर्स ओल्ड अरे एबा का चार्ट है फिर बॉनी एम का म्यूजिक आया वो और कुछ हिंदू स्टडी सेमी एम तो था नहीं न्यूजीलैंड में तो आई वाज टू वॉच टीवी और फिजी में टीवी नहीं था
तो हम सब टीवी के आगे ग्लू होते थे, टॉप 10 है चार्ट, अच्छा ये माइकल जैक्सन उस समय माइकल जैक्सन के बारे में मैं सुना नहीं था, है ये कौन बंदा. तो फिर ये सब म्यूजिक आया एबा का, ऑल द टॉप ग्रुप्स दैट वर देयर ना, सो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ना. फिजी में हम टॉप 10 सुनते थे बॉलीवुड वाला ना, बॉबी के गाना हुआ पर इंग्लिश हिट परेड सुनते थे ना, हिट परेड हिट परेड था, तो ये वेस्टर्न हिट परेड था. द नंबर वन एबा का सॉन्ग था, प्लेड फॉर द होल ईयर आई थिंक. So, I can still remember the beat. Yes, our Bee Gees ka gana. I myself, I cannot revive myself with classical music. I don't know why. I cannot. But pop music, 80s ki jitne bhi sare 80s super music le lo. 80s ka dor plus the 20th, 22nd century ka bhi jo dor hai. R.D. Barmani Dhamaka. R.D. Barman came to Fiji. There's music that have more warmth into it. Like yes. More, kya bolte usko? डेप्थ होता है उसमें ना, वॉर्म्थ होती है, जैसे कि यू गॉट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ इट. म्यूजिक का भी ना काफी डेप्थ यूज, इंपॉर्टेंट होता है. आर डी यूज टू यूज अ लॉट ऑफ बेसिस इन हिज गिटार ना, बेस साउंड होता है बूम बूम बूम, एंड दैट स्पेक्ट्रम ही यूटिलाइजेस द होल स्पेक्ट्रम ऑफ हिज. बिफोर A.R. Rahman आई थिंक ही वाज बॉलीवुड का रिदम किंग, वही था. एंड हिज बेस गिटारिस्ट वाज अमेजिंग, अमेजिंग बेस गिटारिस्ट. हालांकि अलग बाकी की जो गाने को आप देखोगे, इट्स लाइक अ मिड रेंज, ऐसा लग रहा है कि मिड रेंज गाने सुन रहे हैं. इसका लोज काफी लो थे. बट नाउ आई लव हॉलीवुड स्कोर्स एंड कंपोजिशंस, जिस तरह से वो पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं साथ में, ड्रम रोल वगैरह करते हैं फिल्मों में, अमेजिंग. क्योंकि आई एम इनटू फिल्म, सो आई लाइक ऑल दोस, यू नो, सिनेमैटिक स्कोर्स अमेजिंग. क्या क्या सामान वो यूज करते हैं, आई डोंट नो मैन, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स. अमेजिंग. वो आरडी का जो ग्रुप था, आई थिंक यू प्ले, वी प्लेड वन, सो द रियूनियन है ना, एंड दे प्लेड वेल एक्चुअली. आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अलाइव आई बिलीव, एंड द बीटल्स स्टिल डूइंग सम राउंड ना, कुछ बच्चे भी. बीटल्स का एक ही बचा है ना, पॉल मैकार्टनी, ड्रमर बचा है ना, पॉल मैकार्टनी इज राइट, लेफ्ट हैंडेड गिटारिस्ट है पॉल मैक, सर पॉल मैकार्टनी, उसका जर्मन है जॉन लेनन, आई थिंक टू ऑफ देम, या टू ऑफ देम आर स्टिल अलाइव. ड्रमर है ना, रिंगो स्टार. Yes. That was no, no, Ringo is dead, I think. He was dead. No, drummer is dead, I think. He died recently. Yeah. So, let's so take a Sir short Paul break. McCartney is left-handed, by the way. Yes, he is. Now, composition was done by some top female singers behind him. Acoustic was playing. Oh, okay. Yeah, he was on the charts. Yeah, he would be nearly 70 now, I think. Yeah. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाँ, हम वापस आते हैं, हम चलते हैं, याद करते हैं उन लोग जो हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, जिसे हम याद करते हैं, जो गुजर गए, फॉर एग्जांपल दोज म्यूजिशियंस एंड दोज कंपोजिशन जो बिछड़े, दैट्स एक्चुअली लेफ्ट अस, सो वी विल कम बैक एंड हैव अ नाइस. वेल दैट वाज नाइस, वाज़न्ट इट. थोड़ा स्लो था टेम्पो. बट एक और चीज़ हम देख लें, म्यूजिक का भी जो म्यूजिक वीडियोज है ना, वो शायद कब से हिट होने लगा है, लेट 70s अर्ली 80s. म्यूजिक वीडियोज पर भी 80s, हाँ, 87 से. पहले था हम खाली एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड या सीडी, तो बाद में है ना, तो आजकल क्या है, हम उसमें सीडी लगाएंगे या इंटरनेट में जाएंगे, यू सी सिंगिंग एंड डांसिंग का जो फ्यूजन हो गया है ना. So aksar people look at hear a song and they connect with a video. Pehle tha khali awaaz wo Indian music mein, Bollywood mein film dekhte ki oh ye scene mein yahan pe Dharmendra gaya tha na. To aajkal ye jo music videos hai, they becoming very popular. Bhi jaldi se shuru hua, I think 90s ka tha, it's been popularized maybe 80s videos, basic videos they started making from the 80s. Michael Jackson ka Thriller ka bana tha, 90s, mid 80s and 90s they started. So I think Michael was one of the pioneers. He's a skill, dancing and singing. But let's remember those people that we do remember. Raab bhi said, unko yaad karte hain. Concerts dekhe honge shayad, aur wo is duniya mein nahi hai. I personally haven't had the, I haven't seen any singing concerts of Kishore Kumar or all these people. But I had Kishore Kumar did go to Fiji, na? He did go to Fiji. Rafi went. I don't know about Rafi, but Kishore Kumar Rafi went to Fiji. He did. Kishore Kumar went to Fiji. R.D. went. R.D. went. Lakshmi. Papilleri went. Papilleri to bahut popular tha. I went to Papilleri show in Fiji. Papilleri is still doing his shows, you know. Yes, he's still doing. Malaysia वगैरह में. पैसा कमाना पड़ेगा ना. उसका जो singer partner, जो singing partner है, lady एक है. She accompanies him. ये अपना उषा तो.
बट और सारे हैं वेस्टर्न कल्चर में है, जैसे कि एल्विस प्रेस्ली ऑल्सो डाइड वेरी यंग, माइकल जैक्सन ऑल्सो डाइड वेरी यंग, और बीटल्स का दौर तो मुझे मालूम नहीं है. तो जॉन लेनन वाज असैसिनेटेड, या ही वाज शॉट, शॉट यस. सो वाइफ जापानीज योको ओनो, योको ओनो. Even Muhammad Rafi, he died at young ages. 58, huh? 60? Yeah. 57. Kishore was about 60-something, so when he died. July 1980, Rafi died in. Uska dehant hua tha. I was in finally a dental student in New Zealand, Otago, a big shock. Yeah. 1980. July 80, Rekhal yeah. Say. 31st of July 1980, 3 July, yes. So, is tarah ke bahut sare, those are the few names that I actually remember. And about about 8 years ago, mere haath DVD aayi Elvis Presley ki, and that's when I bought the DVD. Unki puri documentary thi, and I started watching it, and I started getting into it. Halaki usse pehle I was not listening to songs. Abhi to nahi sunta hun, lekin it was a good documentary. Unki zindagi mein kya hua, kis tarah se wo music mein aaye hai. Singer, actor, yes. And dancer. And the other one also I liked was I saw a film of Bob Marley. Unki uske uparant ek film unhone banayi hai, bahut achi film unhone banayi hai, which actually shows the whole life history of him. किस तरह से वो म्यूजिक में आए, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, हाँ रेगे किस तरह से रिवाइव हुई है. इट्स अ गुड मूवी, डीवीडी में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, इफ यू गाइस नीड टू सी. हम जब हाई स्कूल में थे तो हम अखबार में पढ़ते थे ना. हाँ, आजकल डीवी आ जाता, डीवीडी ना. हम काम करते रहे, वी कैन सी द होल हिस्ट्री एंड यू कैन कंप्रेस इंफॉर्मेशन ना. तो म्यूजिशियंस की जो फैमिली जो हमारे हिस्ट्री में जो लोग हैं उनके लड़के बच्चे आजकल लीड कर रहे हैं, बट कुछ हैं ऐसे जो नहीं कर रहे, जैसे कि बहुत कम कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे. इसका डॉटर इज आई थिंक शी डज बीट बट उतना हिट नहीं है. और रफी जी का जो बेटा है एक, वो तो गा नहीं पा रहे अच्छी तरह से ना. He does sing, but I think it's not some. He tries, but he's accomplished like all men. Accomplished, I think. We saw a video somewhere. Mukesh ke ladka, huh? Nitin. Nitin Mukesh is good, and I think his grandson also sang in one of the films. Nitin Mukesh. He's okay. It's okay. And Amit Kumar turned out to be a good singer. I don't know what he's doing at the moment. He's doing chakkar chala raha, television ka, celebrity shows mein wo zyada dhyan dete. Maybe mota paisa hoga then. Probably, but he does shows from now and then. Dubai mein se zyada show karta. He does a lot of shows. Aur kaun hai, aur jo, you know, that actually should carry on the fathers or the parents. Michael Jackson ka to koi nahi hai na. There's no one out there to lead him. He's left it there to totally. Well, his sister's there. बट उसके जो बच्चे जो हैं, ओन फेम एंड क्या नाम है उसका, लटोया जैक्सन, जेनेट जैक्सन इज देयर ब्रदर्स. लिप चॉप वगैरह किए ना उन्होंने. हां, दे ब्रदर्स, दे ऑल स्टार्टेड ऑफ एज अ ग्रुप. जैक्सन 5, जैक्सन 5 काची वाज डांसिंग देयर एंड काची मूविंग अराउंड एंड ही वाज ओनली मेबी नॉट इवन 10 इयर्स ओल्ड एंड ही वाज विद द माइक सिंगिंग एंड डांसिंग. But some of them haven't actually, you know, continued the legacy of the parents. You know, it would have been good to see. But सब कुछ शौक नहीं होता है ना. हाँ, I suppose कुछ पैसे का आ जाता है. But अब क्या है, उन लोगों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि they living on the parents money ना, वो कमा गए. रॉयल्टी पे जी रहे ना अभी. Big like a big industry out there. Elvis has created a very big industry. और हर साल क्रिसमस के इर्द गिर्द उनकी जो एल्बम्स रिलीज होती है, लोग जाते हैं, खरीदते हैं, देते हैं. लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं ना. एंड सम द गॉस्पल सॉन्ग्स ही सैंग, सम रियली गुड वंस. सो अभी भी लोग, यू नो, मोहम्मद रफी की नाइट होती है तो अरे ये गाना हमने सुना था, वो सीधा यूट्यूब में जाएंगे वो मूवी में था. और आजकल ये देख रहे हैं, इतना तुम जानो क्या, किसने गाया ये गाना अपना, ये हेमंत कुमार. So, लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, दे स्टार्ट रिवाइविंग एंड स्टार्ट डिगिंग कि ये किस फिल्म का गाना है. एंड दे डू गो बैक एंड वॉच ऑल दोस फिल्म्स अगेन, यू नो, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स, वहाँ से आइडिया निकाल के तो ये वीडियोस बनाते हैं. और जो ये मल्टी मिलियन आर्टिस्ट थे, वो जब ये संसार छोड़ जाते तो काफी ठंडन गोपाल छोड़ते. दे मस्ट गेट अ लॉट ऑफ मनी रॉयल्टी, इवन किशोर दा के जितने, आई मीन इट्स सो मेनी. इसी बात में लता जी भी अभी रॉयल्टी कम होगी, अलग होगी, रॉयल्टीज की लॉस चेंज हो गई ना. गाने में इंडिया में क्या हो गया कि आपने अगर किसी को हायर किया है तो उसको पैसा दो और रफा दफा करो, गाना गाया चला गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रॉयल्टी की भी बात नहीं. खाली इंडिया में, लेकिन
इंडिया में वो रॉयल्टी की बात नहीं है, खत्म। अभी किसी को दिया है 50,000 वट एवर रुपीज दिया है तो चलो 1,000 पे सॉन्ग और 1,500 2,000 पकड़ा वो चला गया। And then they make money on the shows, गाना गाते वो उस पे। इसी बात पे भी बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था लास्ट वीक, वेरी फेमस फीमेल सिंगर, एंड शी एग्जैक्टली सेड दैट इन द लेडी डूइंग द इंटरव्यू फ्रॉम बीबीसी लंदन, शी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज दिस लेडी वाज सेइंग, उसका नाम मुझको याद आएगा तो बताऊँ, शी इज अ वेल नोन सिंगर बट प्ले बैक सिंगर, एंड शी सेड नो नथिंग इन इंडिया वी डोंट गेट रॉयल्टी, गा दिया फॉर सिंगिंग। People like, for example, Shreya Ghoshal is probably charging 4,000 per song, probably. Aur saste mein bhi kar lete hai na, wo kya kehte hai, usko relationship bolte hai. KK is a lady singer, female? KK is a male singer. There's another Kavita Krishna. No, she's more recent, abhi last year movie mein gayi gana usne. KK? Not KK, it starts with K, abhi aayega uska naam. She was on giving an interview on BBC radio. About this very subject, ki royalty nahi milta, milna chahiye na? Ab nahi milta na royalty kyunki band ho gayi, contract unki change ho gayi, kyunki bahut problems hota hai na royalty. What about Western singers? Usko milta? Western singers, they have still royalty deals hoti hai na, record company ke saath percentage bhi deal. I think there's only certain number of years, 20 or 25 years. I quite don't know. Is it ad infinitum, forever? क्योंकि उनके रॉयल्टी कभी कभी खरीद लेते हैं ना ये लोग, जो रिकॉर्ड कंपनीज हैं बायआउट कर लेते हैं उनसे, या तो फिर डील होती है, बड़े बड़े जो रैपर्स होते हैं उनकी डील होती है कि भाई आप हमें इतना उसमें से 30% दे दो, तो 30% जितनी एल्बम्स में ये आएंगी तो उसमें से उठाते ही रहेंगे। बट पीपल लाइक एल्विस प्रेजली एंड ऑल दोस पीपल, उनकी रॉयल्टीज जो अभी तक आ रही हैं, दे आर स्टिल कुछ भी जो बना रहे हैं उनके नाम पे इस कॉपीराइट। तो every time we buy a DVD or CD, every time you pay, वो महंगा होता ना, अगर आप उठाओगे CDs वो DVD महंगा है, $15-$20 each, some of them original, not cheap. तो it's still being produced though, you know, और आजकल तो कार्ड मिलने लगा ना, म्यूजिक कार्ड मिल गया है तो आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पे वो कार्ड लेके, चल चेंज ना, अब रिकॉर्ड का वो ना 33 वाला अब जमाना गया, but you can still buy them, लेकिन वो DJs यूज करते हैं पाइनिया। आपका सोच क्या है कि आप व्हाट डू यू थिंक प्रेडिक्शन क्या है कि म्यूजिक किस तरह से होगा, रिकॉर्ड्स लोड क्या आएंगे फिर में, सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल थिंक कि हम लोग की प्रेडिक्शंस क्या है कि हम लोग क्या जिंदगी में देखेंगे कि आर वी स्टिल गोइंग बैक टू द बिस्किट टिन बजाने वाला जमाना, या तो फिर यू नो कुछ और जो आपके पीछे पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, सो वी विल कम बैक टू दैट। रोज रोज आंख तले हम लोग इतने चुप क्यों, क्योंकि हम कुछ खा रहे हैं। नाइस मेलडी, तोहफा आया हुआ है क्योंकि ईद की मुबारकबादी दी जा रही हम लोगों को भी, हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ब्रेक में हम कुछ खाए भी रहे, गरम गरम चाय और कुछ वगैरह वगैरह आ रही है। थैंक यू फॉर द सप्लायर, हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं आज तो अजीब गर्म है आज। सो आज हम बातें कर रहे हैं म्यूजिक के बारे में, लेट्स गिव आवर थॉट्स कि हमारे जिंदगी में किस तरह से हम तोड़ फोड़ करेंगे और व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द म्यूजिक फॉर, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ ना, होनी चाहिए कि हम लोगों को क्या प्रिपेयर करनी चाहिए लाइफ में इस समय, नेक्स्ट फ्रॉम नाउ टू 2020 आई थिंक इट विल बी मोर रिवाइवल, लोग ये महसूस करेंगे कि हमारे जो क्रिएटिव सोचेंगे और महसूस करेंगे कि भाई क्या कॉम्पोजिशंस थे, क्या लिरिक्स थे, क्या रिदम था, क्या बीट था। आजकल जो नया गाना क्यों हिट होते हैं, कुछ डांस म्यूजिक होते हैं ना, लोग जाते हैं डीजे करते हैं भाई ये गाना जारी के पहले सा, तो इट हिट्स विद देम ना, मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज दे बिकम पॉपुलर एंड दे सिंक्रोनाइज दे माइंड कि किस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर ये पिक्चराइज किया गया था, इफ इज़ द फेवरेट एक्टर, फेवरेट मूवी, सॉन्ग का बीट ठीक है, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोस्ट ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग्स विल बी नॉट बेस्ड ऑन
the words themselves, but uska jo rhythm hai, dance rhythm, beats, rather than jise purane hamare jo gaane the pal pal dil ke paas ki wo sunenge nahi kya bol rahe, maybe ek line popular hoga na, to wo jaakar jab wahan girega to people start dancing ke bhai ye bahut acha beat hai, even the kids, you will watch them watching TV, wo jhumne matakte. So I think it'll be more rhythm based rather than melody and lyrics content. Next 5 to 10 years. And more revival, more remixes. What do you think the instruments, kis tarah ke instruments use karenge? I think they're coming back to more, abhi jo trend hai, they're coming back to kya bolte, acoustics. Acoustics, you think? Because hamara music hai, it has to be soothing, na? बहुत हल्ला होता था, पीपल सुनेंगे नहीं, रिकॉर्ड्स नहीं बिके, भाई बहुत नॉइजी है ना. सो म्यूजिक इज अबाउट रिदम एंड मूड, एंड स्पेशली हम जो इंडियन लोग हैं, वी लाइक टू हियर अ लिटिल बिट ऑफ स्किन ना, चमड़ा बजना चाहिए, ढोलक तबला कहीं लगना चाहिए, थोड़ा से स्ट्रिंग बजना चाहिए कि भाई बैक में सितार फ्लूट मार दिया, यू नो. एंड बिकॉज हमारा वो कल्चरल रूट्स है ना, हमको लगता है हम कि रेडियो, बस में, ट्रेन में बैठेंगे, अनके कि भाई ये लुक लाइक एक इंडियन गाना लग रहा है यहाँ पर. आजकल टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह भी जाते हैं, बहुत सारे हमारे लोग हो गए, दे विल हैव अ म्यूजिक प्लेइंग ना, यूट्यूब ब्लास्टर. तो आई थिंक इट विल बी रिवाइवल ऑफ ओल्ड म्यूजिक, गोइंग बैक टू 70s एंड 80s yesteryears, एंड यूज द मॉडर्न इक्विपमेंट टू, यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट बट क्रिएटिंग द सेम साउंड्स. जैसे हमारा जो छोटा सा कोग है उसमें 200 साउंड बैंक है, सम ऑफ देम है लाइक hundreds, even thousands, na? So ek button press kar denge aapko violin aa jayega. So the musicians won't be so skilled unless they study and learn outside of India, but they will still be able to play the same sounds using one instrument. Abhi ye jo synthesizer hai kitna purana hai, it's only 25-30 years old shayad. Jo hamara jo aajkal jo pehle synthesizer bolte the na, keyboard. Juno. Roland Jupiter. Mera kya the Fiji me, I think. Juno 60, na? Empire, you old boys was using it. 70s mein aisa tha. Yeah. So it's really quite recent. Really, me sochte 30, 40 years old, na? So you think it's going to go back to the music? I think so. Old days and purane purane jo bhi aajkal ho rahe hain. I think I'll add a little bit to what doctor said. I think it will go towards more cultural thing, like there will be more dholak, there will be more dholak. No, sangeet, more of like tabla will come into place. Like, abhi dekhiye, I mean, flutes. All the clips, aap dekhte hai na, now it's dry. Acoustic guitar aa raha hai, little bit of usme drums aa raha hai, but they'll go back to the old style, the cultural touch, style. Huh? Touch off, you'll have tabla, you'll have acoustic guitar. Dil aur man ke tar chune wali sounds. Yeah, sounds. So I think that the music will go in that direction in future, because that's what the trend is going basically. Because yeah, halla shor se, there's not, people don't get thakan music ke le lage people. Because now the generation is actually getting tired with this, so that's why they are now coming into this thing where you got acoustic guitar coming in. A few things I've noticed in being in the music industry is ki the newer versions of music directors and creators and musicians are far much better and well versed in playing instruments, in a sense ki wo bahut hi achhi tarah se bajate hain instrument. Halanki compositions mein unme thodi si kami aa rahi hai, kyunki agar purane dekhoge jo lyricists the pehle, jo creators of music the, they were very good. They made some really good music in our industry. एंड आजकल के जो बंदे हैं, दे आर सो टैलेंटेड. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के ज़रिए से वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में मसाला डाल के उसका अलग फील दे रहे हैं. एंड आई थिंक देर इज़ मोर टू कम विद आवर इंडस्ट्री टू सी कि किस तरह से म्यूजिक को निछोड़ेंगे. सो व्हाट दे हैव डन इज़ नाउ इज़ ब्रेकिंग आई कंपोजिशन इनटू पीसेस, नाउ उसको तोड़ तोड़ के निकाल डिकम्पोज करके, हाँ डिकम्पोज कर, फिर रिकम्पोज करेंगे. हाँ तो ये आजकल आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे जो पुराने म्यूजिशियंस थे, जो भी है, जो गायक जितने भी थे, इफ यू लुक एट देम, दे हैव यूज्ड ऑल दिस टीम अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें तो काफ़ी तो आपको शायद म्यूजिक में सुनाई नहीं देगा. हालांकि आजकल 4 या 10 से कम इंस्ट्रूमेंट के ही जरिए से वो लोग वो म्यूजिक बना सकते हैं. तो आई थिंक आजकल के जो, एंड हैट्स ऑफ टू सम ऑफ दिस म्यूजिशियंस, दे आर सो टैलेंटेड.
सो टैलेंटेड, फुल ऑफ टैलेंट्स, फुल ऑफ एनर्जी उनके पास है. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लेके आते और सीख के आते हैं, प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि उनको मालूम है कि ये क्या वो करेंगे. इसी सब्जेक्ट में पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो आई थिंक देयर मोर वन मैन शो. एक डायरेक्टर था वो सभी को बटोरता था गांव से यहाँ लोटो का लंबा सा थे विनी से भाई तुम ढोलक प्ले करो आकर यहाँ पर बैठो एंड देन ही यूज्ड टू डायरेक्ट. दे हैड नॉलेज अबाउट म्यूजिक, अ लॉट ऑफ देम डिडंट प्ले मच यू नो. आजकल का कंप्यूटर का जमाना आ गया ना. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर सो एवरी सिंगल पीस, अब यू डोंट नीड 30 पीस ऑर्केस्ट्रा ना. और फिर ये भी हो गई कि आजकल म्यूजिक इज लॉट प्लेड बाय ईयर रादर देन बीइंग रीडिंग म्यूजिक. I mean, some people will actually not agree to this, but I think personally, काफी लोगों से मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, देखो play by ear. Actually, जो South American जो roots था music का, जो Afro American slave music थे, वो music read नहीं करते थे. It was all from the mind, the ear. They used to play all the instruments, banjo, drums, ये blues वगैरह, jazz जो होते थे ना. आप देखेंगे अभी भी वो जो प्ले करेंगे, they play by ear. And all this blues music, जो slavery में बेचारे के बेड़िया लगाते थे, chains ना, they used to chant and they were suffering. जैसे हमारे गिरमिटिया थे ना, तो ये slavery था ना, 100 years before. तो they composed the music, nothing was written. अभी भी जो top American singers हैं, they mostly gospel trained singers. Church वगैरह में choir में गाते हैं and then they come out into the mainstream. All based on black Afro-American slavery time of music. Uska basic training jab hua tha when they're singing in the cotton fields in harmony, you know, in a group to sustain their spirit. Somewhat like what our Fijians sing in a group choir. Yeah, aap dekhenge wo kuch nahi music. Ek guitar ke saath all harmonizing. Awaaz ka jadoo dikhate. Which is the pure sense of music, na? And I mean, 2 years ago I went to Fiji and I happened to be witnessing in the church. And I was... Choir. There was a choir group. Always. Choir to bol sakte hain. But when I turned to this side and I was trying to see, kahan se aa raha hai sound, na? And I was trying to see ki who's playing. Well, there was about 3 guitars only. Only 3 guitars. There's no drums, nothing. Baki to jitne gaane wale do aage piche khade na, sab alag alag ga rahe hain. And it was amazing how they sang and held these songs. Aur Fiji mein ek salana wo competition hota hai na, Methodist Church choir competition karte hain. It's a big thing. Bahut bada bada lo wo hota hai. Kaafi dollar chilaye. But seriously, they have an annual competition. And I was I attended one in the 1980s at the Suva Church, and it's amazing. Amazing singers. Yes. Methodist Church का circuit का सभी जगह से choirs आते हैं, it's a choir competition. Sadly, music field जो Fiji में है, still quite not to the par to other world, other parts of the world are happening. क्योंकि there's no schooling, not many schoolings over there, funding नहीं है. Recording studios बहुत कम है. हाँ, वो तो बंद हो गया ना मेरे हिसाब से, बहुत कम है. आजकल सिर्फ वो एक कीर्तन वगैरह record होता है. हमारे फ्रेंड अजय ने ही डज सम स्टूडियोस का, ही डज सम ट्रैक्स, बट स्टूडियो है नहीं सब, इट इज ऑल रिकॉर्डिंग टू वन कंप्यूटर, उसमें रिकॉर्डिंग करने लगे. और जो भजन गा रहे हैं आजकल, सीडीज बहुत कम निकल रही है, क्योंकि वो सीडी निकली वेस्टर्न साइड में आ गई तो वो फटाफट कॉपी निकाल के वो सबका डोला डोला में देंगे, फिर वो सीधा लगाएंगे ना, उनके पास वो 8 स्टिकर होता है, एच स्टेकर डी सी डी डी सीधे लगा के फटाफट मार के दे देंगे, हाँ 50-50 cents में. और जो गाड़ी वाले खुला कर रहे सामने ना, और आजकल वो बहुत चल रहे हैं ना, वो उनका फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, हाँ, तो वो सब में वो लोग आगे हैं, काफी आगे हैं. तो यूएसबी में डाल लेते हैं सॉन्ग, सीधा लगा के आप बैठ हो गया तो सीधा देखेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड है आजकल. आपका गाड़ी में फिजी में मिल रही है म्यूजिक, ज्यादा वहीं में सुनते हैं ना वो लोग, नया मोटर में यूज भी है ना. तो सी दे ट्राइंग टू यूज मनी कि किस तरह से पैसे इस्तेमाल कर सकते, तो ये सब चीज़ वहाँ नहीं है ना आजकल. एंड म्यूजिक इज स्टिल वेरी वेरी, द डेज हैव गॉन कि वो कस्टा हुआ करता, बैंड हुआ करती थी, एंड देन पीपल यूज टू गो एंड वॉच ना, म्यूजिकल नाइट्स होता था. अब तो कुछ नहीं हो रही है, बहुत कम हो गई है. कैरियोकी सिंगिंग भी टेक ओवर कर लिया पार्टीज में शायद. हाँ, कैरियोकी सिंगिंग, बट आई थिंक वेडिंग्स वगैरह में तो स्टिल लाइव बैंड ट्रेडिशन बहुत कम है, बहुत कम. जो हिंदुस्तानी जो सनातन धर्म है तो उसमें तो भोजपुरी चलेगा, मजीरा चलाना, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स नॉर्म ना, इट्स नॉर्म है, लोकगीत होनी चाहिए और तलवान फतवान में या तो फिर संगीत नाइट में, संगीत, हाँ संगीत नाइट में इजी हो गया कि वो 50-50 को हायर कर लेते हैं, वो अपने गेटो ब्लास्टर लेके आ जाते हैं, वो बजाते हैं और 6-7 गाने में नाच कर आपका दिल लुभा देंगे. उसके बाद में अगर एक आध डीजे वगैरह हुआ तो उसमें थोड़ी सी डांस वगैरह हो जाती है,
तो आजकल ये दौर वहां पर ज्यादा है एंड दे मेक क्यों हंस रहे हैं 60-40 भी चलता है बट 50-50 काफी इकोनॉमिकल है फेमस है हमारे घर पे 60-40 आटा चलता है चलता है 60-40 लेकिन वो दे क्वाइट पॉपुलर दिस आर डांसर्स यू नो दे एंजॉय द कला यस द आर्टिस्ट्री दे दे आर गुड एट इट एंड यू नो दे डोंट वरी अबाउट अंगना या बिकॉज़ दे मोटिव इज एंटरटेनमेंट पूछा अंगना सीधा हो या टेढ़ा हो They don't worry about it. They're still there to entertain, and that's what they do, basically. And we might be bringing one of our star kalakars into our 31st show, maybe. Ashikil Lord, no? 31st October. Maha Hangama. Star kalakar. और फिर म्यूजिक के बारे में हम और कल्चरली जाएंगे सबसे पुराना म्यूजिक जो हम जाएंगे अफ्रीका है ना ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट उसका जो ड्रम्स है जो रिदम है आई थिंक बॉलीवुड को छोड़कर जनेपर जमैकर को छोड़कर जो साउथ अफ्रीकन जो ड्रमिंग है बहुत ज़बरदस्ती उसका जो ड्रम्स जो बीट्स होते हैं ना फैंटम बीट्स दे वेरी गुड वो ड्रम जो ढोल ड्रम्स होते हैं वो कॉन्गो टाइप ड्रम्स होते हैं ना अफ्रीकन ड्रम्स दे ड्रमिंग टेक्निक्स एंड रिदम इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी उसका कंपोजिशन जो होता है ना स्टाइल्स होते हैं ना The other ones are Caribbean beat and South American. जैसे हमारा यूरोप में beats बहुत popular नहीं है they mostly play flutes, strings and orchestral music ना violins. England तो inherit किया फिर Japan और China में भी बहुत rhythm is not a big thing. अभी rhythm जाने लगा you can hear some of the Chinese and Japanese new songs and they don't sound very dissimilar to Bollywood. तो वो भी उसका रिदम वॉज नॉट अ बिग थिंग सो अफ्रीका इलेक्ट्रो म्यूजिक ना जर्मनी इलेक्ट्रो म्यूजिक ना टेक्नो म्यूजिक जर्मनी का One country which is quite always an advance in all these things, na? So rhythm ke baat hoti hai, toh these are the countries where rhythm is king. Ek group tha, uske naam tha Osibisa. African tha. Osibisa. Mere paas kahin record pada hai. Uska jo rhythm, jo beat style hai, it's a composition of Trinidad, Tobago, South America, Bollywood style. Sab fusion karke usne bajaya hai. वेल आइए हम एक और गाना बजाते हैं संगीत का दौर है आज और हम बातें कर रहे हैं म्यूज़िक के बारे में लेडीज एंड जेंटलमैन कि किस तरह से म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाता है और नहीं लाती है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं छोटे से ब्रेक एंड देन विल कम अप फॉर अ राउंड ऑफ कम बैक राउंड ऑफ एंड विद थिंग्स अच्छे संगीत का दौर आज हम लगा रहे हैं क्योंकि आज टॉपिक ही हमारा म्यूजिक है और इसी तरह की वीडियो एल्बम्स हम निकाल कर नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि हमारी जो आज की डिस्कशन है वो कायम रहे ये गाना जैसे सॉरी मोर मेलोडी एंड वॉइस एक और चीज आजकल के गाना में जो आवाज है वो बहरा जाए ना मोर लिसनिंग टू द गिटार जो एक्चुअल वॉइस है सिंगिंग इज लिसनिंग टू सॉन्ग आवाज आजकल वो टेक ओवर होना है ना आवाज यहाँ है म्यूजिक टेक्स ओवर सो वी आई थिंक दैट्स अनदर ट्रेंड पीपल वांट मोर वॉइस इन अ सॉन्ग अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं आप अपनी तरह से विचार प्रकट करें कि बताएं कि व्हाट चेंजेस वुड यू डू इधर से स्टार्ट करते हैं ओके जीत से स्टार्ट करते हैं लाइक डॉक सर ना डॉक आपने कहा ना दे अभी देखा जाए म्यूजिक में अभी क्या हो रहा है पहले का दौर देखिए तो ना एवरीथिंग वाज लाइक आप वॉइस सुनते थे देन द म्यूजिक यूज्ड टू कम जब आप गाते नहीं थे देन द म्यूजिक वाज देयर अभी क्या होता है कि आप गीत गाते हैं देन द म्यूजिक इज सो हाई दैट योर वॉइस इज लव्ड बाय द म्यूजिक तो आगे का दौर में क्या होगा कमिंग फ्यूचर इज बेसिकली वी गो बैक टू क्लासिकल म्यूजिक या कल्चरल म्यूजिक में जहाँ पर यू सिंग एंड द म्यूजिक कम्स आफ्टर सो व्हाट वुड यू चेंज आजकल के जो म्यूजिक का ट्रेंड है जो कर रहे हैं बजा वो वुड यू ब्रिंग इनटू द एरिना एंड से लुक अगर आपको हम म्यूजिक डायरेक्टर बनाए वो वुड यू चेंज टू द म्यूजिक इंडस्ट्री आई ब्रिंग द ओल्ड फॉर्मेट बैक विद द म्यूजिक माने कि तबला ढोलक या आई विल ब्रिंग द कल्चरल पार्ट ऑफ दैट इनटू एंड मोर ऑफ
vocals, basically. Yeah. I think we can still have modern instruments. Instruments in there. But background music. Background music, yeah. The rhythm, the melody. Yeah. आजकल हम देखते हैं गाना में बहुत कम थी हारमोनियम यूज होती है. बिल्कुल. Instead of keyboard, ना. और जिसमें जो जिसे राहत है गाता है थोड़ा आ जाता है सुनने में बहुत स्वीट लगता है ना. हमारे हमको हिट करता है. अरे देखो उसमें थोड़ा हारमोनियम बजी इसमें पे इसमें वो थोड़ा फ्लूट बजाएंगे आप थोड़ा से. So I think we need to maintain that. हाँ बिल्कुल. Because we need जैसे आपने कहा like flute हो एक instrument है ना. पुराने गीत में I mean you used to listen to you know before the, even the song starts I mean the music you used to hear a lot of instruments in there. आप सुनते थे ना ये फ्लूट सुनेंगे आप ये गीटा का जो ना पीस होता था बिफोर द सिंगर एंटर्स. अभी तो क्या है बस गीटा का स्ट्रम हो और गीत शुरू सो चल पड़ा. या सो नाउ वी नीड टू ब्रिंग ऑल दोस थिंग्स बैक इनटू सो हारमोनिया ढोलक इत्यादि यू ऑल द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्लासिकल यू गॉट टू ब्रिंग ऑल दोस इंस्ट्रूमेंट्स. या व्हाट अबाउट यू डू कोटा रोड सेम बट ऑन बैलेंस इफ वी लुक एट इट इट्स गोना बी अपहिल टास्क. Because everything is driven by the consumer. Consumer kya chahte hain, kya khareedenge. If you make a record and you spend, say, how much does it take to release an album in Australia? Maybe $2,000-$4,000? Na? Music video. And nobody buys it. So you're doing it as a hobby, na? It's a shock hai, theek hai, chal gaya na? But if you're doing it commercially to make money or tumhara jo music hai aapka, एक डायरेक्टर भला मैं इसको पिक्चराइज करेंगे हम गोना पुट दीपिका एंड और तब तो बोलेगा हाँ चला ना यू मेक मनी. सो इट इज़ ड्रिवन बाय द कंस्यूमर. हम जो म्यूजिक लवर है हमारा ख्याल जो है वी फाइटिंग अगेंस्ट पॉपुलर कल्चर ना. डायरेक्टर बोलेगा भाई ये गाना आप तो लगा देंगे तो लोग बोलेंगे इसके फिल्म के गाना बेकार था. एंड एक्ट्रेस हैज़ टू बी एबल टू डांस एंड प्रोजेक्ट हर ओन स्टाइल ना. आजकल जितने ही गाना है आई वुड से मोर देन 50% देयर हैज टू बी अ डांस आइटम. क्योंकि पता नहीं लगता कहाँ से शुरू हो गया डिस्को सीन आ गया ना. ये सीन से वहाँ चला जाते हैं. सो आई वुड ट्राई सेम ट्रेंड बट इफ यू लुक एट इट सेंसिबली इफ यू लुक एट इट प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक इज गोना हैपन. People no, are trying. We can put 50-50 agar dekha jaye. I mean, 50-50 bhi karenge. Look at Salman Khan ka jo film aaya tha, Dabang aaya tha, oh, yeah, no, I mean, he always has a number or two in there where he's got classical more in older there. Older types, 80s, 90s. Yes. He's got it so in you, there. I mean, you guys would bring all the antique instruments back into the industry. Yeah. And make the music. Even if you don't have a flute player playing it, you have flute on your the keyboard. Keyboard synthesizer, na? Recreate it, as you said, one instrument, mein sabhi sounds nikalenge. But it should be there. And also to maintain our culture, na? Abhi ek sabhi gana mein agar drums or guitar or western music aa jayenge, to hamara, it's not Indian music, na? True. It's very funny because I mean, saying we're talking about music this morning. Actually, when I got up, I was listening to this song from Mahendra Kapoor, "Tum Agar Sadhnega." You know the intro part of that song. If you take out your time, Siddharth, and listen to the flute part of that song, it's so nice and soothing in the mornings when you listen to that. Siddharth Jugela. Yeah. So nice because I was sitting there just having my breakfast in the morning and. And listening to that song right, from the beginning, it is quite nice. I said to myself in the morning, say, we don't listen to these things now. Fiji the retirement ke pura plan kar kar ki. Ab jante ho wo gaane par ek bhajan bhi banaya. Yeah. Bhajan song. It's so nice. Flute you would like to hear when? What time of the day? Flute. What time of the day would you like to hear? I would be in the evening. Evening? Relaxing time, huh? If I'm doing some work or somewhere, you know. My vision says flute is morning. Morning, mine too. Because when you get up... Subah, morning. When you get harmonia up, subah, prabha. Harmonia kab utilize karoge aap? Harmonium again, afternoon. Shaam bhajan vagara gaayenge to harmonia istamal karo. Guitar kab istamal karoge? 24/7 probably. Guitar bhi na dordu gula hota na, masti mauj, jo playing time na, play time. To play time ho gaya, aapke jo play time hai to usme. Tabla? Let's say raat ko, to tabla bhi raat. Tabla vagara sab shaam ke vakt na. Soothing type na. Flute is nice in the morning, wake up call. But for me, when I'm working all day and I'm home from 7, 8,
then I would like to hear Chaurasia or something. Mm-hmm. You don't want to like to hear some sitar time. 11 o'clock at night. Yehi baat mein hamare jo North Indian classical jo rags hai, they are composed according to the time of the day. Subah ka raag hota hai, mid morning, afternoon, sham ka raag na. I personally, what I would change, I would actually bring in the choir team. Jitne bhi jo pehle hote the gaane mein harmonics hote the, voice harmonics, aajkal milta nahi hai sunne ko. And I think that is what I would like to hear in any song. Jitne bhi Indian gaane bante hain, I would like to hear different octaves of harmonics. Agar ek singa bhi kar raha hai, to wo char ya panch harmonics kar raha hai. And you won't usually find singers like that. It's an extra skill. It's very, very hard. Yeah. Very talent bhi hona chahiye for people to do it. And I would like to hear those in the tracks, for example. But wo kya kar rahe hain, instruments se bhar rahe wo sab cheez. And that is what I would like to see these days. I would change that and say, look, you know, let's bring ki acha ye nahi ga raha hai. Cheating ho jata hai. Wo ga rahe hain, lekin iske saath mein ye bhi ga rahe hain. Ye create karenge. Vocal ki thodi justification karenge. Orchestral jo cheating aa jata hai, to wo baja le, look, sounds like this. Six people doing chorus. So that is what I would bring into the forum. And choir is nice. I mean, I like choir as well. And so aaj daur hai sangeet ka, and right, rounding off guys, your thoughts zindagi mein sangeet ke bare mein, and music in generally. I think jitne hamare jo young people hai, we try koshish karenge ki usko encouragement denge na ki bhai kuch na kuch culture mein kuch ek instrument seekho. Hamare kuch yahan Sydney mein singers hai well known, uske bacche seekh rahe, koi harmonium seekh raha hai, koi tabla seekh raha hai, kuch gaane seekh rahe hai na, which is a good thing to do. But unfortunately, it is trend wahi hai. Jis ghar mein log music karte, wahi ghar mein se bachcha paida hote. Musicians hote. Ji haan, musician. Kisi jo singer hai, uska bachcha dance karega. Wo kuch play karega ya sing karega. Hamara jo net hai, jo hamara jo jaal hai, wo samundar mein aur thoda dur tak phekna chahiye. Try and get people from outside the families, na? Musical families. That's what I would say, ki jitna log hai, kuch encouragement do, ghar mein ke instrument la kar rakho. Yeah, go young kids, yes, bilkul. I mean, yeah. It needs, I mean, music, everybody needs music in part of their life. Kahin na kahin pe, they should get, interact with music, because, I mean, it is a stress reliever, as we said. Therapy? Therapy, it's a type of therapy, you know, and therapy. You relax yourself as kami well. Kami kami bachche sunte rehte hain, toh mummy daddy bolte, band karo, kunji sunta hai, no? Jo headphone laga, apan tum disturb karta hai. So they either resort to a corner and they put their headphones in there. That's not a good response. Good, no. I think the thing is, agar ek bachcha interest hai, hum sabhi milkar uske sange thoda deri 5 minutes ke do baat hai. Oh, this nice song. You know, usko encourage karenge, sange thoda dance kar denge, thoda uske sang gunguna denge na. To bachcha bhi bolega, oh haan, mujhko thoda ye encouragement mila hai na. Badhawa denge. What I would like to say is ki agar aapke ghar mein कोई बच्चा है या तो फिर कोई फैमिली जिसे आप जानते हैं कि टैलेंट है, उसे पिक कीजिए. अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपस में जब बैठते हैं तो प्रोत्साहित कीजिएगा. टेल देम कि लुक, यू नो, लेट्स गो सम, हैव सम म्यूजिक लेसन, क्योंकि खासतौर पर बच्चों के लिए, डेवलपमेंट स्टेज के लिए, म्यूजिक इज़ सो गुड. म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड थेरेपी फॉर देम. इट टीचेस देम डिसिप्लिन कि किस तरह से, क्योंकि म्यूजिक किस तरह से सीखा जाता है, इट्स टॉट विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. और खासतौर पर क्योंकि वो अलग टीचर के पास जब होते हैं तो वो सीखेंगे ही ज़रूर. And it develops your brain in a very good way as well. It enhances your intelligence. तो यदि आप सोच रहे हैं किसी कहीं पर उसको आप कहीं, अगर आपका बच्चा musically minded नहीं ही है, but you can still, you know, it's like a subject, for example, you know, उसको सिखाइए. फिर भी प्रोत्साहित करो. Put him into it. And it's good for them. Try करने से तो कुछ नहीं, बेहतर है कि कुछ नहीं करो तो बेहतर है कि try करो आप. So that is my thought कि यहाँ अगर, if you see, I see a lot of talents in the industry here. And I get intrigued. कल ही किसी ने मेरे फ़ोन में एक गाना सुना, 10 साल के बच्ची, वो गा रही थी नए गाना, एंड शी वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव. तो हम जस्ट गेव मी द फोन एंड से लिसन. तो आई सेड अमेजिंग, शी इज़ नॉट इवन 10. एंड देन इमीडिएटली आई थॉट कि उसको करो बैंड के साथ रखेंगे, कैसा लगेगा, एंड हाउ विल शी साउंड. सो ख्याल दिमाग में ये आया कि एक कॉन्सर्ट मैं करूँ बच्चों के लिए, जहाँ पर सिर्फ बच्चे हों. And there's a few other kids that have come to our mind. Dance, play, and sing.
तो उनके लिए मैं सोच रहा कुछ करने के लिए अडल नहीं बट एक कंसोर्टियम ऐसा बनाए जिसमें कि उनकी जो इनकरेजमेंट है हम आगे रखें. It's about time, I think we should prosper the children that we see that have has talent. So let's take a backstage. और जो माइक होप करते हैं, जो गाने गाते हैं, दो गाने, तीन गाने, चार गाने, भाई निकाल किसी और को मौका दीजिए गाने के लिए. आपका टाइम एक्सपायर हो रहा है, प्रोड्यूसमेंट के हम और बढ़ रहे हैं. गिव देम अ टच टाइम टू फॉर अस टू एक्सप्लोर दोस टैलेंट्स आर देयर, यू नो. सो यू आर कलाकार ना, यंग, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको यू नो प्रोत्साहित करें, क्योंकि सुकून मिलता है. हम तो अंदर ही घर में हाई गा लेंगे, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू मेक मनी एट दिस स्टेज इन आवर लाइफ, बट ऑब्वियसली दोज किड्स हैव द पोटेंशियल टू मेक मनी ओ टू मेक इट बिग. लेट देम डू इट. एक यूट्यूब में एक वीडियो, एक बच्चा है आई थिंक फ्रॉम इंडिया, इज नॉट इवन 5 years old, आपने शायद देखा, वो तबला बजा रहा है. yes, जो तबला का स्किन है पूरा है, वो बेचारा का हाथ पहुँच नहीं पाता है. And there's some lady singing, I believe it's the boy's mother, and he is playing the tabla. Wow. पूरा एकदम बीट होल्ड करता है, जहाँ पर ब्रेक्स होता है, सब कुछ बराबर एकदम. वेरी वेरी इनकरेजिंग फॉर द चिल्ड्रन. ना सो इन दैट थॉट वी लीव यू विद दिस वंडरफुल थॉट, एंड इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे जो म्यूजिक का जो सेक्शन रहा आज, जो टॉपिक था, आपने पसंद किया. एंड कुछ इनपुट्स, कुछ फीडबैक्स देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बरकरार रखें, और भी अच्छे उम्दा प्रोग्राम हम आपके बीच में लेके आए. जी हाँ, अपने दोस्तों को बताइएगा. हमारा वेबसाइट एड्रेस www.fijiindiantv.com. fijiindiantv@hotmail.com इज आवर ईमेल एड्रेस. जो संस्कृत नहीं बोलते, उम्दा का मतलब इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. लास्ट में जो हमारे गड़ू प्रोग्राम, जो हमारे जो मंडली होते हैं ना, देट इज द बेस्ट प्लेस टू इनकरेज पीपल, चाहे चर्च में हो या मस्जिद में या मंदिर में या घर पर यंग पीपल है, उसको बैठा दो ना. हमको मौका नहीं मिलता था, जानते हैं, because they are playful and they would like to play. They are like कुछ give them something to play, you know, maybe tambourine or something, and then if they can't play, if they want to sing, उसके गाने दो ना, break दे दो. कीर्तन बेसुर गाएंगे, बट इट्स अ स्टार्ट. दे विल नो, उस सुन के जान जाएंगे कि भाई. सो आई एम सीइंग दैट हैपनिंग, व्हिच इज वेरी गुड. और कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री में ऐसे भी हैं जिनकी जो सुर है बहुत ही गलत है, या तो फिर उनकी आवाज बहुत पतली है, फॉर एग्जांपल मिलती नहीं है, घड़ू नहीं है आवाज उनकी को, तो आप निराश मत होइए. आप भी गाना गा सकते हैं, लेकिन उस अलग टोन में गा सकते हैं, अगर आपकी जो टोन, यू नो, आपके टेक्स्चर है जो गाने की. डू दैट and one day you'll become a good singer, hopefully. And we have a lot of talented singers in Sydney, but you know, most of us, we do go besur now and again, but some of them they really need a little bit of training. There is also a lot of training, we can coffee jada training hai. Maybe with a harmonium or just ghar par baith kar apna thoda riyaz karenge na. That will really help them. भला बुरा नहीं कहते हम, भला बुरा नहीं कहते हम लोगों को, लेकिन ये गुड टू सी. बट थोड़ा सा हम लोगों का फर्ज बनता है कि अगर हम देख ले किसी चीज़ को, अगर हम अगर थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं तो बोलो टाइट कर लो भैया, वरना वो नट ढीला हो जाएगा ना, टायर निकल के बाहर आ जाएगा. तो थोड़ा सा हम टाइट कर देते हैं आपको, ताकि लॉन्ग रन में आपको काम दे वो टायर. ऑल्सो क्या होता है ना कि अगर आप लोगों को कुछ बताते हैं, लोग उससे निराशा ले लेते हैं ना, कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पीपल डोंट लाइक ना. आई थिंक पर्सनली माय फीलिंग इज कि इफ़ यू डोंट नो डोंट कमेंट ना. वो बात है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कमेंट भी ना करें, क्योंकि इट इज़ इनजस्टिस ना. बट लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और क्रिटिसिज्म शुड बी पॉजिटिव एंड शुड कम विद अ सजेशन. सजेशन, या बिल्कुल, टू इंप्रूव, अदरवाइज इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव. देखिए, आप छोटे लड़के को बोले कि यार नहीं, आप नहीं गाओ, पर ये तो जाओ ना यहाँ से, ये तो मेरे लिए ये वो लेके आओ, वो नहीं होगा ना. उसको एनकरेज करेंगे, लेकिन अगर इफ यू हैव समबडी हु इन देयर 40s एंड दे आर नॉट सिंगिंग, इन स्वर में नहीं गा रहे, तो समटाइम्स दे डोंट नो ना. समटाइम्स होता नहीं है ना, उनका नेचुरली नहीं है. और हमारा एक बहुत प्रॉब्लम है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, कि पीपल आर मेकिंग वीडियोज, जहाँ देखो वही म्यूजिक वीडियोज लगा कर पोस्ट करते हैं ना. म्यूजिक इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड ना, इट्स अबाउट साउंडिंग गुड टू. इफ यू हैव, इफ यू लुक गुड एंड साउंड गुड एज वेल, देन पीपल वोंट गो टू स्लीप, यू नो, एंड दे विल लिसन टू इट नाइसली एंड दे विल बी अवेक एंड दे वोंट बी बोर्ड विद द म्यूजिक ना. सो या, जस्ट सम लिटिल टिप्स. We are not experts. Go and find an expert. Na, voice training, it costs money. Yeah. Most people will teach you $25, $30 an hour.
हाफ एन आवर तबला सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ढोलक सीखना चाहते हैं, डॉक्टर तो 50% में कर देगा, तुम ना सिखा देगा। आई कैन स्टार्ट पीपल ऑफ बट दे आर पीपल हु टीच म्यूजिक, बलराम दास अंकल लोग है, पीपल हु टेक क्लासेस ना, हमारे वीर साहब है, अमन है, लॉट्स ऑफ पीपल। Drumming lesson, so you got rhythm is sitting right here. If young kids are just starting, we can start them off, no? But we are not professional. Hamare paas time nahi hai na classes dene ke liye. Time nahi hai. Retirement ho jayenge. Tab bahut hi time hoga na. Well, in that thought, let's leave and have a good weekend. Be careful. And once again, a happy, happy Eid. Eid to all the people, yeah. Yes. Celebrate Eid. Eid Mubarak. And episode number 72. Next week. And next Saturday before our program, you have got MGS ka program, eh? Yes. It's a Dorade at Himalayan in Granville. Granville, yeah, 25th of July. Yeah. Thank you and have a good. See you next afternoon week. Or day or night.